सुरेश सर स्टार्ट करें सर। हाँ प्लीज, हो गया टाइम, टाइम हो गया ना सर, स्टार्ट है हमारी है सर। हम पंचुल हैं बहुत। हाँ बिल्कुल सर, वेबिनार का फायदा भी यही है सर, हमें थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा मिल जाएगा स्पीकर से। तो गुड आफ्टरनून ऑल, और आप सभी को नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन सर। आज हमारा तथास्तु प्रोग्राम का 7th डे है, और आज हमारे साथ जो हस्ती जो मौजूद हैं, बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी है, वो हमारे साथ पानीपत ब्रांच में पहले भी आ चुके हैं, और पहले से और अब में वो काफी यंग नजर आ रहे हैं, पहले इतने मतलब पहले के एज कम्पेयर टू प्रीवियस विजिट। तो तरुण सर, यू आर लुकिंग सो गुड एंड सो गॉर्जियस, तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है सर, तरुण सर पानीपत ब्रांच में। और सर आज जो टॉपिक है, जो तरुण सर जिस पे डेलिब्रेट करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है ऑफ द कंपनी एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। और मैं सभी पार्टिसिपेंट को आप सभी का सर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद आप सभी ने तथास्तु प्रोग्राम में आप लगातार हमारे साथ बने हुए। तो मैं विदाउट गेटिंग मच डिले आई एम स्ट्रेट अवे फॉरवर्डिंग टू आवर ब्रांच चेयरमैन सुरेश नंदवानी जी कि वो एक बार वेलकम करें सर सभी गेस्ट का, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमें परमिशन दे। जी सर। थैंक यू भूपिंदर जी, नमस्कार। आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं तरुण गुप्ता जी, वो वेल नोन है पानीपत में, उनका काफी लगाव रहा है, वो पहले भी पानीपत आ चुके हैं, तो मैं पानीपत ब्रांच की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज हमें अपना कीमती वक्त दिया। इसके अलावा तो जितने भी हमारे मेंबर्स हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने पानीपत ब्रांच को इस प्लेटफॉर्म पे लाके पहुंचाया है, तो उनका मैं सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। पर ये करता हूँ आगे भी हमें ये सहयोग देना जारी रखेंगे इस तरह से, और हमारे इसी तरह हमारे जो नए नए स्पीकर आ रहे हैं उनका भी मोटिवेशन होता है कि सामने ज्यादा बंदे ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो उनको भी अपना डेलीब्रेशन देने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप हमें अपना सहयोग देते रहेंगे। थैंक्स टू ऑल, थैंक भूपिंदर जी। थैंक यू सर, थैंक यू चेयरमैन, द वर्दी चेयरमैन ऑफ पानीपत ब्रांच, और जिनकी देख रेख में सर प्रोग्राम हो रहे हैं। और मैं अब एक बार दो शब्द चाहूंगा कि हमारे जो ब्रांच के खजांची साहब हैं सीए योगेश गोयल जी, एक बार वो भी दो शब्द कहें ताकि परमिशन मिले खजाने की तरफ से, तो हम आगे बढ़े सर। जी सर योगेश जी। थैंक यू भूपिंदर जी, वेलकम तरुण जी ऑन बिहाफ ऑफ पानीपत ब्रांच, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे, एंड थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू, थैंक यू योगेश जी, बड़े कम शब्दों में आपने सभी का धन्यवाद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं बिना डिले किए हुए हमारे जो आज के जो मुख्य स्पीकर हैं तरुण गुप्ता जी, मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि वो अपना डेलीब्रेशन दे। और तरुण सर विद द फोल्डेड हैंड आपका सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय निकाला और ऐसा टॉपिक आपने आप उस पर डेलीब्रेशन देने जा रहे हैं जो सभी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि COVID-19 का जो इम्पैक्ट है आई थिंक वो किसी को भी छोड़ा नहीं है उसने, चाहे वो कम एंटिटी हो चाहे नॉन एंटिटी भी हो, मतलब इंडिविजुअल है चाहे जो भी है। तो मैं आपके और जनता के बीच में ज्यादा समय नहीं दूंगा, तो विदाउट डिले सर आई एम स्ट्रेट अवे फॉरवर्डिंग, वेलकम यू सर, ओवर टू सर। थैंक यू सुरेश जी, योगेश जी, भूपिंदर जी एंड ऑल अदर ऑफिस बेयर्स ऑफ द पानीपत ब्रांच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी to share my knowledge regarding audit report. Last time जब मैं आया था पानीपत, तो that was ICDS, Disclosure Standards. So basically बात standards की है, चाहे वो income tax standards हो, यह हम audit report की बात करते हैं तो ये हमारे auditing standards है। Audit report basically audit report कुछ नहीं है, audit report एक हमारी auditing standards को हमें कैसे present करना है, that is the audit report. तो जो सेक्शन से हमारे जो बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट को कवर करते हैं वो मेनली 701, 705, 706, 700, 720, 570, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हमारे इस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट करते हैं। तो ऑल दो स्टैंडर्ड्स वी आर सपोज टू नो बिफोर गोइंग टू द ऑडिट रिपोर्ट। अगर हम थोड़ा सा एक बात देखेंगे ऑडिट का हमारा इतिहास क्या, हिस्ट्री क्या है, हाउ दी ऑडिटिंग हैज इवॉल्व ओवर द ईयर्स। अगर हम अर्ली 80s में जाते हैं जब हमने ऑडिट प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, आई स्टार्टिंग 81, तो उस वक्त जो ऑडिटिंग था और आज जो ऑडिटिंग है दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। और इस इन द लास्ट 30 ईयर्स
जो चेंजेस आए हैं 35 ईयर्स जो चेंजेस आए हैं वो बहुत रैपिड चेंजेस आए हैं। जो उससे पहले 1980 से पहले अगर हम देखें जो ऑडिट रिपोर्ट थी तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चली आ रही थी। हम जब ऑडिट करते थे दैट वॉज लाइन बेस्ड ऑडिटिंग, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट वी आर सपोज टू चेक, चाहे वो 100 रुपए की आइटम हो, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, बट वी आर सपोज टू चेक ईच एंड एवरी आइटम। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बढ़ गया, आईटी बढ़ गया, तो लगा कि ऑडिटिंग करने का तरीका ही बदल जाना चाहिए, क्योंकि जो लाइन बेस्ड ऑडिटिंग है उसको हम कहते थे कि एफिशिएंट ऑडिट, जब हम एक एक चीज चेक कर रहे हैं तो ऑडिट इज वेरी वेरी एफिशिएंट। बट विद द एडवांसमेंट ऑफ बिजनेस वॉल्यूम बहुत बढ़ गया बिजनेस का, आईटी आ गया, तो उस जो एफिशिएंसी को इफेक्टिवनेस की तरफ हम ले आना चाहते थे कि ऑडिट हैज टू बी इफेक्टिव नॉट एफिशिएंट। तो फ्रॉम लाइन बेस्ड ऑडिटिंग जो फोकस शिफ्ट हुआ वो फोकस शिफ्ट हो गया हमारा रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग, वेयर देयर इज मोर रिस्क वी हैव टू अप्लाई मोर ऑडिट प्रोसीजर। दिस इज द बेसिक ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क बेस्ड ऑडिट जो इवॉल्व हुआ फ्रॉम 1980s ऑडिटिंग इवॉल्व हुआ और हम रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग के ऊपर स्ट्रेस करने लगे। और वो कहां से हुआ? बिकॉज ऑफ द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। रिस्क ऑडिटिंग स्टैंडर्ड टेल्स अस हाउ टू डू द रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग। अब दैट वाज कॉल्ड द थर्ड जनरेशन ऑडिट, जो हम रिस्क बेस्ड ऑडिट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द थर्ड जनरेशन ऑडिट। लेकिन ऑफ लेट इफ यू सी इन द लास्ट फ्यू ईयर्स क्या हुआ है, द फोक द परसेप्शन ऑफ द सोसाइटी हैज चेंज, परसेप्शन ऑफ द रेगुलेटर्स हैज चेंज, परसेप्शन ऑफ द पब्लिक एट लार्ज हैज चेंज। अब वो परसेप्शन है कि इफ देयर इज अ बिजनेस फेल्योर देन इट इज कंसिडर्ड टू बी अ ऑडिट फेल्योर। मतलब अगर कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी बाइंड अप हो रही है, तो द क्वेश्चन इज रेज्ड बिफोर द ऑडिटर कि व्हाई यू हैव नॉट सीन इट, व्हाई द बिजनेस हैज फेल्ड। सो द फोकस हैज शिफ्टेड फ्रॉम द इवन फ्रॉम द रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग टू चेक द बिजनेस फेल्योर। सो दिस इज नाउ द फोर्थ जनरेशन ऑडिट, और इसको हम डिटेक्टिव ऑडिट और इन्वेस्टिगेटिंग ऑडिट उस तरीके से भी कंसिडर करके चल सकते हैं। जब हम कहते थे ऑडिटर इज नॉट ए ब्लड हाउंड बट ए वॉच डॉग, वो जो हमारा सेइंग थी, जो हमारी परसेप्शन थी, जो एक बेसिक ऑडिटिंग का प्रिंसिपल था, दैट हैज अंडरगोन अ चेंज। आज हम उस पोजीशन में आ गए हैं कि वी आर नॉट ओनली द वॉच डॉग, वी हैव स्टेप्ड इनटू द शूज ऑफ ए ब्लड हाउंड। ऑडिटिंग हैज कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टिगेशन। सो मोर ऑर लेस जो हमारी काम करने का तरीका है वो बदल गया, वी हैव बिकम इन्वेस्टिगेटर रादर देन द ऑडिटर। सो क्योंकि परसेप्शन क्या है, आज हम ऑडिट कर रहे हैं, जब से नफरा पिक्चर में आया, नफरा आने के बाद एक नई चीज आ गई है। अब सिचुएशन ये है कि अभी तक हम पीयर रिव्यू पे डिपेंडेंट है, पीयर रिव्यू इज डन बाय आवर पीयर चार्टर्ड अकाउंटेंट हु हैज द नॉलेज ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, हु हैज द नॉलेज ऑफ द कंपनी एक्ट, हु हैज द बेसिक नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग एवरीथिंग। बट अगर हम नफरा में जाते हैं तो दे हैव 12 मेंबर्स आउट ऑफ दोस, ओनली 3 आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। So 9 members of the committee comprises of the persons who have the knowledge of other things, not the accountancy, not the auditing. So situation change ho jati hai, it's a very very different situation. Agar hum medical mein jate hain to medical ki negligence kaun check karte hain? Doctors check karte hain. Agar hum bar counsel jate hain, advocate consultant ki negligence kaun check karte hain? Advocates check karte hain. But in our case हमारे वर्क को चेक करने का काम कोई IITN कर रहा होगा, कोई लॉ ग्रेजुएट कर रहा होगा, कोई मे बी मेडिकल प्रोफेशनल कर रहा होगा, ऑफ दोज मेंबर्स वो किसी ना किसी और फील्ड के होंगे अदर देन दी ऑडिटिंग फील्ड। तो हमारी इस पेकुलर सिचुएशन में व्हाट इज द सेफ गार्ड, बेसिकली हमें सबसे पहले हमें यही सोचना है कि हमारे सेफ गार्ड क्या है। तो हमारे सेफ गार्ड सिर्फ ये है कि हमारी वर्किंग फाइल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो। अगर हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होगा तो हम नो वी शैल बी अनेबल टू सब्सटेंशिएट कि हमने ऑडिट प्रॉपर किया है। और वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होगा हमारे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। देखिए जितने भी स्टैंडर्ड हैं हर स्टैंडर्ड ने बताया कि आपको इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इन योर फाइल,
अगर हम उन डॉक्यूमेंट्स को उसके हिसाब से प्रक्योर करके अपने ऑडिट फाइल में लगाते हैं, या हम अपने ऑडिट को बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग इज नथिंग बट द ऑडिट प्रोसीजर्स. स्टैंडर्ड ऑडिटिंग बताता है कि हमें कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने हैं. अगर हमने वो ऑडिट प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए हैं, मैं इस अपने एलिवेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ, अपने आईटीआई ने एक ऑडिट स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग की एक चेकलिस्ट बनाई है, एंड दैट चेकलिस्ट इज देयर ऑन दी वेबसाइट. करीब करीब 180 पेज की वो चेकलिस्ट है, तो 180 पेज अपने आप में काफी ज्यादा हो जाते हैं. सबको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार अपने सबको पता है कि हमारे पास किस तरीके के क्लाइंट्स हैं, किस तरीके का काम है, और मोर और लेस कुछ सालों तक वही रहने वाला है, शायद बढ़े तो बहुत अच्छा है. हम उस 180 को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें और एक ऐसी चेकलिस्ट बना लें जिसमें सारे स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट को हम कवर कर लें, इस तरीके से कि हम जो अपने ऑडिटिंग स्टाफ को दें और वो उसको कंप्लीट करके लाए, तो आपको पता चलेगा कि इसने ऑडिट को ऑडिट स्टैंडर्ड के हिसाब से भी किया है, और जो ऑडिट प्रोसीजर हमारा ऑडिटिंग प्रोफेशन चाहता है, हमारे स्टैंडर्ड चाहते हैं, वो हमने अडॉप्ट भी किए. तो दैट चेकलिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने भी कोशिश की है, मैंने उस चेकलिस्ट को करीब करीब 27-28 पेजेस में अपने हिसाब से निकाल लिया. तो इसकी प्राइमरी जॉब, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऑडिटिंग रिपोर्ट तो जब भी बनेगी जब पहले ऑडिट अच्छा करेंगे और ऑडिट फाइल को तैयार करेंगे, तो हमें ऑडिट फाइल से स्टार्ट करना है. तो दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड विद दिस. नाउ आई कम टू द ऑडिट रिपोर्ट, और ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये SA-700, SA-705, SA-706 तीन स्टैंडर्ड बेसिकली हमारे ऑडिट रिपोर्ट को कवर करते हैं. ये ऑडिट, ये स्टैंडर्ड सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए नहीं है, ये इट इज एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटीज, ऑल एंटिटीज, वेदर कॉर्पोरेट वेदर नॉन कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, एवरीथिंग. तो फॉर्मेट यही है, एंड अकॉर्डिंग टू नीड हमें उसे चेंज करना है. बेसिकली आई स्टार्ट विद SA-700 जो का मेन ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट है, मेन ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट है. जो SA-700 है ये बेसिकली इनिशियली आया था 1 अप्रैल 2003. ये ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट SA-700 1/4/2003 को आया. देन उसमें चाहे हम मॉडिफाइड ओपिनियन देते थे या अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते थे, एक ही फॉर्मेट था, मॉडिफाइड के लिए अनमॉडिफाइड के लिए. लेकिन 1/4/2012 को SA-700 रिवाइज आया. जब SA-700 रिवाइज आया तो SA-705 साथ में आया. तो उसके बाद जो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है वो SA-700 में आया, SA-700 रिवाइज में, और अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड ओपिनियन हमारा SA-705 में. तो दो स्टैंडर्ड हो गए हमारे ऑन 1/4/2012. नाउ 1/4/18 रिवाइज SA-700 रिवाइज हैज फर्दर बीन रिवाइज. SA-705 SA-700 रिवाइज इज फर्दर रिवाइज. तो इसका नाम SA-700 रिवाइज नहीं है, नाउ जो नया स्टैंडर्ड है दैट इज रिवाइज SA-700. नाउ वी हैव 3 700. आज भी मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा जो पहला 700 था वो कहीं चला गया, या दूसरा 700 रिवाइज कहीं चला गया, या रिवाइज 700. नाउ वी हैव 3 different SA-700. अगर कोई ऑडिट रिपोर्ट हम साइन करनी है फॉर एनी फाइनेंशियल पीरियड बिफोर 1/4/12 तो हमारे का एप्लीकेबल होगा SA-700. और अगर कोई ऑडिट रिपोर्ट हमें साइन करनी है जो कि 1/4/12 to 1/4/18 में फॉल करती है तो जो फॉर्मेट एप्लीकेबल होगा वो होगा SA-700 रिवाइज. और 1/4/18 मतलब 1/4/18 के बाद जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, आई एम टॉकिंग द वर्ड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1/4/18, then revise SA-700 is applicable and accordingly. So we have 3 different SA-700 which I wanted to tell you. So jo modified opinion, unmodified opinion hai wo SA-700 call karega, aur modified opinion SA-705 mein call karega. Now basically jo bhi jab bhi hum opinion dete hain, basically purpose of audit is to give opinion. Hum audit ko define kaise karte hain? What is audit? Audit is an independent examination of the financial information of any entity irrespective of its size, and when the purpose of examination is to give opinion. So basically opinion is the objective for the audit. So this with this objective
आज का जो हमारा ऑडिटिंग है वो हम बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग दी ओपिनियन। हम ओपिनियन कब देंगे, व्हाट व्हेन, जब हम ओपिनियन देना है तो व्हाट इज द, व्हाट आर द फैक्टर्स रिक्विजिट, तो हमें क्या क्या देखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Whether the financial statements are prepared as per the financial reporting framework. ये जो word use हुआ है financial reporting framework, हमें इसका meaning समझ, वैसे तो अब इस चीज को मान के चले कि मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि सबको नहीं पता है। Basically this is a revisionary webinar, क्योंकि SS 700 जो revised है इसके ऊपर हम तो last year भी काम कर चुके हैं, but basic होता है कि हम हर साल जैसे हम income tax के webinars करते हैं, मेरा से सेक्शन 148 पे कितने सेमिनार हो जाते हैं, सेक्शन 68 पे कितने सेमिनार हो जाते हैं, बट ऑल द टाइम हम अपने आप को फर्दर जस्ट टू रिवाइज द थिंग्स व्हाट यू आर डूइंग, हम उस सेमिनार को करते हैं। तो मैं थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें, मैं ये प्रेजेंटेशन लेके नहीं चल रहा हूँ कि आपको नहीं पता है, बट जस्ट टू रिवाइज व्हाट इज द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कंप्राइजेज ऑफ टू थिंग्स, अकाउंट एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। मतलब क्या हुआ, एप्लीकेबल व्हेन से आई से एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो वी हैव इफ आई से थ्री सेट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हियर इन इंडिया। वन इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज इशूड बाय आवर ICAI, सेकंड इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज इशूड बाय MCA, थर्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडियन। तो हमें देखना है कि जिस एंटिटी का हम ऑडिट कर रहे हैं उस पर कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है। अगर कॉर्पोरेट एंटिटी है तो डेफिनेटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ MCA, नॉन कॉर्पोरेट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ICAI, और लिस्टेड कंपनी और उसकी सब्सिडरीज एसोसिएट्स हैं तो देन वी हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो दैट वे वी हैव टू फर्स्ट सी कि जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं उस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से एप्लीकेबल हैं, सेकेंड लॉज एंड रेगुलेशन इम्पैक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर हम बैंकिंग कंपनी का ऑडिट करते हैं तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात करते हैं, NBFC ऑडिट करते हैं तो NBFC लॉज की हम बात करते हैं, RBI रेगुलेशन की हम बात करते हैं, अगर इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी का ऑडिट करते हैं तो वी गो टू द IRDA। सो वी हैव डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशन विच इम्पैक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब शेड्यूल 3 में भी दो पार्ट है, इंडियस का अलग है और नॉन इंडियस का अलग है। तो वी हैव टू सी फर्स्ट व्हाट इज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सेकंड, जब भी हम ओपिनियन देंगे तो फर्स्ट वी हैव टू एंश्योर ourselves दैट वी हैव सफिशियंट एंड appropriate ऑडिट evidences इन our पोजिशन जिसके बेस पे हम ओपिनियन दे रहे हैं। तो हर ऑडिट कहाँ जाके कंप्लीट होता है, वही कंप्लीट होता है जब हमारे पास सफिशियंट appropriate ऑडिट evidences होते हैं। तो हमें इस पॉइंट को भी डिस्कस करना पड़ेगा, सफिशियंट क्या होता है, appropriate क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर कंक्लूजन ऑफ द मेटीरियल मिस स्टेटमेंट। अब मेटीरियल क्या है, मिस स्टेटमेंट क्या है, बेसिकली हम ऑडिट में चार पांच वर्ड्स समझ लेते हैं और अच्छे से समझ जाते हैं तो आधा ऑडिट कंप्लीट हो जाता है। मेटीरियल भी समझ जाते हैं, मिस स्टेटमेंट समझ जाते हैं, सफिशियंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी समझ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हम ऑडिट कर लेते हैं। ये सब चीजें जो मैं देख रहा हूँ, हम ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब वैसे तो आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि जो ये जो नया SS 700 आया, ऐसे जो रिवाइज रिपोर्ट आई, इसमें नया क्या था, वी हैड द ऑडिट रिपोर्ट, तो उस नई ऑडिट रिपोर्ट क्यों आई और उसमें नया क्या था। पहले जो ऑडिट रिपोर्ट थी उस ऑडिट रिपोर्ट में हम पहले सब कुछ बोलते थे, लास्ट में ओपिनियन देते थे, सारा कुछ बताने के बाद ओपिनियन देते थे। बेसिकली जो रीडर यूजर ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट था या रीडर था उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता था, कि जब मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ देते थे तो वो लिखते थे कि मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल एवरीथिंग, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफगार्ड ऑफ एसेट्स, ये सारे जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ डाल देते थे उसके बाद हम कहते थे ऑडिटर ओपिनियन, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर हम लिखते थे कि ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फ्रॉड। तो बेसिकली रीजर को लगता था कि फिर देन व्हाट इज ऑडिटर, उसकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और एक स्टीरियोटाइप ऑडिट रिपोर्ट वो लगती थी। नाउ विद दिस चेंज इन द ऑडिट रिपोर्ट, द पर्पज इज टू गिव लाइफ टू द ऑडिट, द पर्पज इज टू गिव लाइफ टू द ऑडिट रिपोर्ट। आज क्या है कि सबसे पहले हम बताते हैं कि हम ओपिनियन क्या दे रहे हैं,
सबसे लीडर को कुछ नहीं पढ़ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़नी। उसने अगर ऑडिटर रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ पढ़ लिया, ऑडिटर क्या कह रहा है, ओपिनियन क्या दे रहा है, तो हाफ ऑफ द जॉब इज डन। तो रिलायंस ऑन दैट ऑडिट रिपोर्ट हैज बिकम मोर इफेक्टिव। तो बेसिक पर्पज आर टू चेंज दैट, टू गिव लाइफ टू द ऑडिट रिपोर्ट। कोई चेंज नहीं हुआ, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट है, वी वर इंडिपेंडेंट, स्टिल वी आर इंडिपेंडेंट, वी से दैट वी आर इंडिपेंडेंट। पैराग्राफ जो मेन चेंज हुआ है, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ मैंडेटरी हो गया है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। डिस्क्लोजर ऑफ द इंडिपेंडेंस एंड कंप्लायंस स्टैंडर्ड हो गया, और की ऑडिट मैटर एक आ गया। की ऑडिट मैटर जो कि लिस्टेड कंपनी के केस में मैंडेटरी है, नॉन लिस्टेड कंपनी के केस में मैंडेटरी नहीं है। इफ यू कांट यू कैन, और इंस्टीट्यूट से गाइडेंस नोट से कि आप इसको जितना यूज कर सकते हैं करें। की ऑडिट मैटर से ही बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट को लाइफ आई है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वी कम टू द फॉर्मेट, फर्स्ट पैराग्राफ ओपिनियन हम दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे, लाइकवाइज हम अभी भी ओपिनियन दे रहे हैं। चेंज कहाँ आया, हमने बेसिस ऑफ ओपिनियन दिया अपना। पहले क्या था, जब हम मॉडिफाइड ओपिनियन देते थे, ओनली इन द केस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन वी आर सपोज टू गिव द बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, ओनली इन द केस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। बट हियर इन दिस रिपोर्ट, इवन इन द केस ऑफ अनमॉडिफाइड ओपिनियन वी आर गिविंग द बेसिस ऑफ ओपिनियन। व्हाट बेसिस वी आर गिविंग, वी आर गिविंग द फोर बेसिस। हम लिख रहे हैं कि हम मॉडिफाइड ओपिनियन कब दे रहे हैं, जब दे रहे हैं जबकि हमने अपने ऑडिट स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से किया है। हम कब दे रहे हैं, जब हमने एक ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में डाला है, आप उसे पढ़ेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ आई एम गिविंग माई ओपिनियन। थर्ड, आई एम सेइंग दैट आई हैव डन दिस ऑडिट लुकिंग इनटू द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, लुकिंग एट द एथिकल रिक्वायरमेंट्स, आई हैव कंप्लाइड द एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आईसीआई, एंड दैट इज वन ऑफ, दैट इज अ थर्ड बेस ऑफ माई गिविंग द opinion, whether it is a modified opinion or unmodified opinion. Then fourth is that I have sufficient and appropriate audit evidences in support of my opinion. So ye char baatein main keh raha hu in my audit report, ki mera jo bhi opinion hai, chahe modified opinion hai chahe mera unmodified opinion, mera opinion based in char baat ke upar hai. Iske baad agar hum modified opinion dete hain to hum uske baad add karte hain after this paragraph, कि मैंने अगर मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है तो इसके बाद मेरे बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन और क्या है, कौन सी वेरिएंसेस डेफिशिएंसीज मैंने इसको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, फिक्सेस की प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं है, व्हाट एवर द बेसिस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन इज देयर दैट विल कम आफ्टर दिस पैराग्राफ। तो दिस पैराग्राफ विल बी देयर वेदर इट इज मॉडिफाइड ओपिनियन और अनमॉडिफाइड ओपिनियन। एक जगह चेंज हो जाएगा जब हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे। डिस्क्लेमर हम जब देते हैं जब हम कहते हैं कि सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड, अगर आपको सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले देन ओनली यू गिव द डिस्क्लेमर ओपिनियन। इन दैट केस ये जो हम लिख रहे हैं कि वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, ये पैराग्राफ थोड़ा सा हम अल्टर कर देंगे। इसको ध्यान रखें, जहां भी हम मॉडिफाइड ओपिनियन दें डिस्क्लेमर ओपिनियन, आई एम जस्ट सेइंग ओनली इन द केस ऑफ डिस्क्लेमर ओपिनियन, इसको हम अप्रोप्रिएटली चेंज कर दें। मेटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, एक नया पैराग्राफ इसमें ऐड हुआ। पहले क्या होता था कि गोइंग कंसर्न के ऊपर हम ऑडिट रिपोर्ट में कोई पैराग्राफ डालते थे, दो ही सिचुएशन होती थी। एक है कि गोइंग कंसर्न इज नॉट प्रॉपर, इज नॉट अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड, तो क्वालिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेमर ओपिनियन में देना होता था। और अगर किसी केस में हम एसर्ट करना चाहते थे कि देयर इज सम अनसर्टेनिटी, तो हम यूएम पैराग्राफ डालते थे। काफी लोगों ने यूज किया होगा, इन दैट केस यूएम पैराग्राफ डालते थे। बट हियर एक स्पेशल अलग से एक पैराग्राफ ऐसे 570 के हिसाब से आ गया है, इसमें ऑडिटर बताता है कि अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं ऑफ द रीडर्स ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि देयर इज मेटेरियल अनसर्टेनिटी इन द कंपनी, दो इट हैज बीन अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज, दो इट हैज बीन अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज, बट आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द यूजर टूवर्ड्स दैट अनसर्टेनिटी। तो ये पैराग्राफ ये 570 का नया ऑडिट रिपोर्ट में आया, दिस शुड
बेसिकली अगर आप देखें जो थर्स है, मैंने अभी जो बॉडी अपना डिस्कशन स्टार्ट किया था, आई सेड बिजनेस फेल्योर एक ऐसा एस्पेक्ट हो गया, बिजनेस फेल्योर इज कंसीडर्ड टू बी द ऑपर्चुनिटी। पर्पस क्या है? एक परसेप्शन, बट आई डोंट से परसेप्शन, अगर हम प्रॉपरली समझेंगे तो जब हम ऑडिट करते हैं तो वी स्टार्ट रियलाइजिंग कि कंपनी कहाँ जा रही है, कंपनी का फ्यूचर क्या है। अगर कंपनी की करंट रेशियो नेगेटिव है, लेस देन वन है, दैट मीन्स कि कंपनी ने अपने करंट लायबिलिटीज को टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया है, तभी उसकी करंट रेशियो वन से नीचे आएगी। अगर कोई भी एंटिटी अपनी करंट लायबिलिटीज को लॉन्ग टर्म में ले जाएगी तो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ खराब है। दैट इज वन ऑफ द इंडिकेटर कि कल को वो कंपनी लिक्विडेशन में जा सकती है, वो बिजनेस फेलियर हो सकता है। तो एक ऐसा इंडिकेटर है जिस इंडिकेटर के बेस के ऊपर आप एज एन ऑडिटर साइलेंट नहीं हो सकते। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम यूजर्स को बिफोर दे अंडरस्टैंड, जब बिजनेस फेलियर के बाद पता चलता है कि भाई बिजनेस फेलियर हो गया, एक इंडिकेशन आप दे दें इसकी करंट रेशियो नेगेटिव है, इसकी कंपनी की करंट रेशियो नेगेटिव है, इससे सीरियस मैटर। सो इस तरीके के जो कोई भी इंडिकेटर हमें मिलते हैं अपने ऑडिट में तो उनको हमें सीरियसली लेना है, और बिफोर एनीथिंग बैड हैपन्स प्रोएक्टिवली हमें उसको रिपोर्ट करना है। चीज ऑडिट मैटर पर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा 5-10 मिनट लगा के। एक स्टैंडर्ड हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी हम ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट देख रहे हैं। इसके बाद आया डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ। ये कोई नया पैराग्राफ नहीं है, हम पहले भी देते थे डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। पहले मैनेजमेंट बॉडी यूज करते थे, अब हमने सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यूज किया है। जो पहले की ऑडिट रिपोर्ट थी 700 रिवाइज, उसमें वर्ड था मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। अब इसमें मैनेजमेंट को डिफाइन कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैनेजमेंट इटसेल्फ कैन नॉट बी डिफाइंड, मैनेजमेंट कैन बी एनीथिंग, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज बीन स्पेसिफिकली डिफाइंड। तो बेसिकली हम इसमें सारी बातें जो मैनेजमेंट की हैं हम इसमें लेते हैं। व्हाई आई एम सेइंग सो नाउ, हमारे पास हम ऐसे 210 टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। सबसे पहले ऑडिट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड आता है, हमें एक टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर लेना होगा। ये जितना भी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ है दैट शुड बी कवर्ड इन ऐसे 210। आपका जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर है उसमें ये आ जाना चाहिए। मेक इट श्योर कि हम हर एक ऑडिट, चाहे वो कंपनी ऑडिट है चाहे नॉन कंपनी ऑडिट है, उससे हमें टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर जो साइन कराते हैं उसमें मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ जो हमारा हम ऑडिट रिपोर्ट में डाल रहे हैं वो उससे साइन पहले ही करा लें, क्योंकि अदरवाइज लेटर ऑन आपस के अंदर कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो कि आपने ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखा कैसे है, आप कैसे कहते हो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरी तो नहीं है। व्हेन आई सेड कि मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखने हैं, व्हेन आई सेड कि आप इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स मैंने देखना है, व्हेन आई सेड कि एस्टिमेट्स मैंने देखे, मतलब ऑल दो थिंग्स व्हिच हैज बीन व्हिच वी आर गिविंग द ऑडिट रिपोर्ट वी शुड ऑब्टेन इन राइटिंग फ्रॉम द ऑडिटी इन आवर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर। ये जो पैराग्राफ है इसकी इंपॉर्टेंस ये है। अब इसमें जो सेकंड पैराग्राफ है ये एक नया पैराग्राफ है, ये है गोइंग कंसर्न। बेसिकली गोइंग कंसर्न पहले एसेस करेगा मैनेजमेंट। ऐसे 570 बहुत क्लियरली कहता है कि मैनेजमेंट ने एसेस करना है अपना गोइंग कंसर्न, और वो असेसमेंट आपने प्रोक्योर करना है, वो असेसमेंट आपने प्रोक्योर करना है कि हाउ मैनेजमेंट परसीव द कंपनी द एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न, या इज देयर एनी मैटर विच कैन इम्पैक्ट द गोइंग कंसर्न, is there any matter that you have to obtain from the management. This assessment, ye assessment agar aap yahan audit report mein dal rahe hain so your audit file should also clearly state that assertion you have obtained, that assessment you have obtained from the management, from the board of directors. Then comes the mini paragraph, auditor responsibility paragraph. Ye detailed paragraph hai, इसको जब हम ऑडिट रिपोर्ट में साइन कर रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि हम क्या साइन कर रहे हैं, हम क्या एसर्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ है ये बहुत ही ऑनरस एसर्शन है हमारी
कि हमने ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग किया है। देखिए जब हम आगे पीयर रिव्यू या टेक्निकल रिव्यू में जाएंगे या किसी और केस में या कोई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हमसे ऑडिट फाइल मंगाती है तो हमने बहुत कैटेगोरिकली ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि हमने ऑडिट में क्या क्या किया है एज पर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग किया है एंड आवर ऑडिट रिपोर्ट शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट दैट वॉट एवर वी आर असर्टिंग हियर इन दिस ऑडिट रिपोर्ट हैज एक्चुअली बीन डन बाय अस। तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। इसी का डिस्कशन बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट है, इसी का डिस्कशन ही ऑडिट है। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम हमने बताया व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस whether the financial statements as a whole are free from material misstatements due to fraud or error. So, humne audit report mein define kiya hai ki audit ka objective kya hai and to issue the auditor's report. Humne bahut clearly kaha hai ki reasonable assurance ki hum baat kar rahe hain. To obtain reasonable assurance. And what is reasonable assurance? Reasonable can be different for anybody. My reasonableness can be different. Bhupendra ji ki reasonableness can be different. Suresh ji ki reasonableness can be different. And anybody else reasonableness can be different. Reasonableness is a very subjective thing. So it's not defined kya reasonable assurance hoti kya hai. Reasonable assurance is a high level assurance. It's not a is a high level assurance, but is not a guarantee. Humne kaha audit report mein kaha clearly ki isse high level assurance, but is not a guarantee that if an audit is conducted as per the standard of auditing, then that auditor can detect all the frauds, can detect all the misstatements. Even after doing the audit as per standard of auditing, misstatements can be there, which we are categorically stating it. And we are saying misstatements can arise from fraud or error or are considered, humne define kiya what is misstatement and what is material. Ye bhi humne audit ko define kiya, is material if that is expected to influence the economic decisions of the user. What is material? Materiality is that amount which can affect the economic decisions of the user. First, of the user. Or which user who has taken the decisions on the basis of those financial statements in which material misstatement is there. Then it is material. So, we have defined our audit board clearly. इसके बाद हमने बात की कि हमने ऑडिट किया कैसे, व्हाट वाज द प्रोसीजर ऑफ ऑडिट। व्हेन आई से व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ ऑडिट, तो ये जो पूरा ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ है इसको मैं आई से वी कैन डिवाइड इन 1+7+1 पैराग्राफ। वी हैव 9 पैराग्राफ, 1 पैराग्राफ देन 7 पैराग्राफ देन लास्ट 1 पैराग्राफ। आई डिस्कस व्हाई 1+7+1। फर्स्ट आई डिस्कस द फर्स्ट पैराग्राफ। हमने कहा कि हमने जो ऑडिट किया, वी हैव एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट एंड मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। दो बातें कही हमने, वी हैव एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट एंड एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। व्हाट इज दिस? ऐसे 200 की जब हम बात करते हैं तो आई ऑलवेज से ऐसे 200 इज दी because it defines the objective of the audit. It defines what is audit. It defines when to give the opinion. So SA 200 is basically the mother of all standards. It says the audit is based on two pillars. One is professional judgment, another is professional skepticism. What is professional judgment? Professional judgment is also defined in SA 200. It says professional judgment is application of professional inputs comprising in standards, inputs comprising in standards in coming out with a proper conclusion. This is what professional judgment. So professional judgment inputs, kya hue inputs hue hamari skill, experience, knowledge. Teen cheez hai inputs, knowledge, skill and experience.
This is what our input is. And standards is standard of auditing, accounting standards and ethical standards. So basically asset 200 says कि पहली चीज है जब ऑडिट करने जा रहे हैं आपको तीन चीजों की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग. ये आपके तीन स्टैंडर्ड्स हैं जिसके बेस पे आप ऑडिट कर रहे हैं. एंड व्हाट यू आर यूजिंग इट, योर स्किल, योर नॉलेज एंड योर एक्सपीरियंस. वो आपको बताइए स्किल कहाँ से आती है. स्किल आती है हम जो रेगुलर स्टडी करते हैं, अपने वेबिनार कर रहे हैं या ऑडिट करते हैं, रेगुलर ऑडिट करते हैं, फ्रॉम देयर वी गेट द स्किल. नॉलेज हमें है, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. Experience doesn't mean the experience of the auditor, of the person who is doing the audit. Experience means experience of that person or experience of any other experienced auditor. You can take the knowledge from the experienced auditor also. So experience can be your own experience or experience can be experience of anybody else in the profession. Second word you use throughout the audit. Basically jab judgment use karte hain, it should be used throughout the audit. Agar hum dekhen तो जजमेंट है बेसिकली. ऑडिट इज व्हाट, ऑडिट इज प्रोफेशनल जजमेंट. कैसे है देखिए, हमें जब एथिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, वेदर टू कंटिन्यू विद द ऑडिट और वेदर टू एक्सेप्ट एन ऑडिट और नॉट, प्रोफेशनल जजमेंट इज रिक्वायर्ड. जब हम ऑडिट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम ऑडिट को, हम कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं, कौन से ऑडिट स्टाफ को लगाना है, उसकी मेटेरियलिटी क्या होगी, उसमें हमारे सैंपल साइज क्या होगा, उसमें हमारे रिस्क क्या है, हमें कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं, उसके बाद हमने ऑडिट प्रोसीजर लगाए, ऑडिट कंप्लीट कर लिया, हमने ऑडिट एविडेंस सबमिट किए, वेदर दोज एविडेंसेस आर सफिशिएंट और नॉट, वेदर दोज एविडेंसेस आर एप्रोप्रिएट और नॉट, एवरीवेयर इन ऑल दिस आवर प्रोफेशनल जजमेंट इज पैरामाउंट. जितनी हमारी अच्छी जजमेंट होगी उतनी अच्छा हम ऑडिट कर पाएंगे. तो दिस इज फर्स्ट पिलर ऑफ द ऑडिट. सेकेंड पिलर एंड रादर आई से नॉट सेकेंड, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज द फोरमोस्ट पिलर. अभी पिछले अगर हम केसेस देखें, बहुत सारे केसेस में जो इन्वेस्टिगेटिंग रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उन्होंने जो बेसिकली पिन पॉइंट किए प्रॉब्लम हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंदर, वो प्रॉब्लम है स्केप्टिसिज्म की कमी. वो कहते हैं आपने स्केप्टिसिज्म को यूज नहीं किया. व्हाट इज स्केप्टिसिज्म? स्केप्टिसिज्म कंप्राइज ऑफ थ्री थिंग्स. वन इज इट इज एन एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग. सेकेंड इज इट इज बीइंग अलर्ट to any situation. Third is critically examination of the evidences. Teen cheezein comprise karti hain professional skepticism. Ab professional skepticism also throughout the audit. Why it is throughout the audit? Kyun? Jab hum har jagah hame question dekhna hai. Hame ye audit accept karna hai ki nahi karna hai? Kyun karna hai? Isse question. Hum kuch bhi dekhte hain. Agar hum dekhe Satyam ka case, jab fraud hua, so you will find lack of skepticism. A photocopy of the FDR is produced before the auditor and auditor has not raised the query ki this FDR, he has not seen ki FDR ki photocopy hai, kya isko mujhe accept karna chahiye. He was not critically examining the audit evidences. So basically hame the question is the auditor ko do word, how and why. How and why, ye do word uske liye bahut important word hai. Kya ye ho sakta hai? Ho sakta hai, kyun ho sakta hai? अगर हम सत्यम के केस में देखें, महिंद्रा वाज अ बिल्डिंग रियल एस्टेट कंपनी, सत्यम वाज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, महिंद्रा कंपनी वाज बीइंग मर्ज्ड इनटू सॉफ्टवेयर कंपनी. द ऑडिटर शुड हैव आस्क्ड द रीजन फॉर इट. उसका मीनिंग क्या है? एक रियल एस्टेट कंपनी से मर्ज क्यों हो रही है? तो स्केप्टिसिज्म की कमी है. ये अभी क्वेश्चन ILFS के केस में आया. ILFS के केस में SFIO ने यही क्वेश्चन रेज किया कि ऑडिटर वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, वाज हेल्ड गिल्टी for not using professional skepticism. कि जो finances ILFS ने किए उसकी securities auditor ने नहीं देखी. जो finance हुए उन finance की जो assessment थी by ILFS, that has not been critically examined by the auditor. So that was considered to be lack of skepticism. So professional skepticism is very very important to be used throughout the audit. So this is what I'll say first. I say 1+7+1, क्योंकि ये जो 1 है, 1 is very very important. This 1 comprises the total audit. कि हमें audit knowledge अपनी use करनी है और capital use करना है. इसके बाद हमने कहा next paragraph. अगर आप देखेंगे तो हम जब audit report पढ़ेंगे तो हमें लगेगा हम audit report नहीं, standard of auditing पढ़ रहे हैं.
और कभी कभी हम इस बात को उस तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते। सेकंड जो पैराग्राफ है, आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड, डिजाइन एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसेस रिस्पॉन्सिव टू दोज रिस्क। तो जो पहला सेंटेंस है, आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये कहां से आया? दिस इज एसए 315। अगर हम तीन स्टैंडर्ड एसए 200, एसए 315 और एसए 330, आई से ओनली थ्री स्टैंडर्ड्स, अगर हम तीन स्टैंडर्ड्स को इन डिटेल पढ़ लेते हैं सर, तो आई चाहिए तरुण सर रिपीट करना चार बार से, एसए 300 सॉरी एसए 200 एसए 315 और एसए 330। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। ये जो वर्ड है आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, देखिए कंपनीज एक्ट 2013 में हमारी ऑडिट रिपोर्ट बदली, हमारे पास सेक्शन 143(3)(i) एक सेक्शन आया जिसमें हमें रिपोर्ट करना था वेदर द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ऑफ द कंपनी आर एडिक्वेट आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तब हमने कहा कि भाई हाउ कैन द ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द एप्लीकेबल ऑन द डिजाइन एंड एफिकेसी ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, हाउ कैन बी, वी आर नॉट सपोज टू। इंस्टीट्यूट से गाइडेंस नोट आया और इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट ने हमें कहा कि आपको जो इंटरनल कंट्रोल, द वर्ड यूज वाज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, तो इंटरनल इंस्टीट्यूट ने हमें गाइडेंस नोट में कहा कि आप इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल से रिपोर्ट नहीं कर सकते बिकॉज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कंप्राइजेस ऑफ समथिंग विच इज मोर देन चार्ट अकाउंटेंट डज, सो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिलेटिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो आप पे एप्लीकेबल है और आप रिपोर्ट करेंगे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एप्लीकेबल टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और हम उसी हिसाब से रिपोर्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था कि वेदर वी आर सपोज टू रिपोर्ट इट, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 315 2009 में एप्लीकेबल हुआ था, 2009 में एप्लीकेबल हुआ था, अगर 2009 में 315 को पढ़ेंगे तो इट इज क्लियरली स्टेटिंग दैट द ऑडिटर हैज डन द रिस्क असेसमेंट एज पर 315 and that risk assessment is nothing but COSO framework. COSO framework जो हमारे अगर सभी members ने जो हमारा guidance note है internal financial controls के ऊपर वो अगर पढ़ा हो, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे members हमारे guidance note को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते जितनी देनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो guidance note है ये basically हमारे पर कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं बढ़ाते, ये हमारी को safeguard करते हैं। अगर हम गाइडेंस नोट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल आईसीआई का पढ़ेंगे वो हमें बताता है कि हमें आईएफसीआई हमें इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे चेक करना है और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होता क्या है। और मैं आई एम वॉचिंग वन थिंग, 2013 में जब ये आया, 2014-2015 उसके बाद जब प्राइवेट कंपनी में एग्जम्पशन आ गई उससे पहले इन ऑल केसेस वी हैव रिपोर्टेड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इज डिजाइन एंड इफेक्टिवनेस एंड आई कैन वॉच दिस थिंग। In very rare cases, we have qualified our report on internal financial controls. और जबकि हमारी audit file के अंदर internal financial controls के regarding एक document नहीं होगा, this is very very risky on our part. अगर हम कभी भी internal financial controls से report देते हैं तो our audit file should also have the documentation regarding the internal financial control system the entity has. Now, without going to that discuss, what is this? Basically, what it says, जब भी आप audit करें तो सबसे पहले 315 के हिसाब से यू विल असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, व्हाट इट सेज, आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। हमें दो चीज चेक करनी है, उस एंटिटी को चेक देखना है और उस एंटिटी के एनवायरनमेंट को देखना है। जब हम कोविड की बात आते हैं तो कोविड यहीं आ रहा है, अगर आप रियलाइज करेंगे जब हम कोविड का इम्पैक्ट की हम बात करते हैं तो कोविड कहाँ आ रहा है, ऐसे 315 में आ रहा है। आप देखेंगे जब रिस्क असेस करेंगे किसी भी एंटिटी का तो सबसे पहले वो एंटिटी क्या है, उस एंटिटी के रिस्क क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि वो उसकी ऑनरशिप क्या है, वेदर से प्रोपराइटरशिप, वेदर से पार्टनरशिप, वेदर से कंपनी, उसमें ऑनरशिप के बाद साइज क्या है उसका, उसका बिजनेस क्या है, उसकी इंडस्ट्री क्या है, उसके उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। सपोज एक आपका क्लाइंट है वो इंपोर्ट करता है,
या एक क्लाइंट आपको एक्सपोर्ट करता है तो उसकी जो रिस्क है वो इंटरनेशनल है, अगर आपका क्लाइंट नेशनली डील कर रहा है तो उसके रिस्क नेशनल है, क्या वो रेगुलेटेड है, क्या वो एनबीएफसी है, क्या वो इंश्योरेंस कंपनी है, अगर रेगुलेटेड है तो उसके अपने रिस्क है, क्या वो फार्मा कंपनी है तो उसके अपने रिस्क है। तो यू हैव टू सी, यू हैव टू फर्स्ट सी दी एंटिटी, आपको समझना पड़ेगा उसके फाइनेंशियल कौन है, उसको फाइनेंस किसने किया है, उसके कस्टमर कौन है, उसके सप्लायर्स कौन है, और ये सारी डिटेल्स हमको ऑडिट शुरू करने से पहले प्रोक्योर करनी है। हमने ये सब कुछ लेते हैं तो हम एक तो एंटिटी को समझ जाते हैं और साथ में समझ जाते हैं उस एंटिटी के साथ रिस्क क्या है, उस एंटिटी के रिस्क को हम समझ जाते हैं। हमने कहा हम देखते हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी फॉल हो रही है पिछले सालों से, उसकी टर्नओवर फॉल हो रही है पिछले सालों से, या उसकी टर्नओवर बढ़ रही है, उसकी प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये सारी चीजें हमें रेशियो एनालिसिस हम कर लेंगे। उसकी करंट रेशियो डिटेरियोरेट हुई है, उसके लोन्स पिछले साल से बढ़ गए हैं, नेट ओन फंड की परसेंटेज क्या है, ये जितने भी रेशियो एनालिसिस हैं ये सारे हम रिस्क असेस करते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर उसका बिजनेस फॉलो हो रहा है तो मेरे को कैसे, एज एन ऑडिटर हाउ एम आई रिस्पॉन्सिबल टू नो वेदर व्हाई इज टर्नओवर इज फॉलिंग, हाउ एम आई रिस्पॉन्सिबल दैट ही हैज ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम ए और बी और सी, कहीं से भी लोन ले, हाउ एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज सप्लायर, हाउ एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज कस्टमर, वी आर रिस्पॉन्सिबल ईच एंड एवरीथिंग, आई टेल यू व्हाई। हमने जब रिस्क पढ़ते हैं, हमने 315 में पढ़ा, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ रिस्क, एक हम पढ़ते हैं इनहेरेंट रिस्क, फिर हम पढ़ते हैं कंट्रोल रिस्क, फिर हम पढ़ते हैं डिटेक्शन। ये तीन रिस्क 315 में वो करता है, तीन रिस्क, तीन तरीके के रिस्क होते हैं। इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क क्या है, वो उसके बिजनेस से जुड़ा हुआ है, इनहेरेंट रिस्क है उसके बिजनेस से जुड़ा हुआ है, जैसे उसकी टर्नओवर फॉल हो रही है क्योंकि जो प्रोडक्ट वो बेच रहा था वो प्रोडक्ट की मार्केट खत्म हो गई, या जो टेक्नोलॉजी मशीनरी वो यूज कर रहा था वो आज ऑब्सोलीट हो गई, ये उसका इनहेरेंट रिस्क है, या फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन हो रहा है ये उसका बिजनेस का अपने आप एक इनहेरेंट रिस्क है, उसने हेजिंग नहीं की वो उसकी गलती है। तो दे आर सर्टेन रिस्क विच आर इनहेरेंटली देयर, या बहुत सारे ऐसे इनहेरेंट रिस्क है, कैश इज इनहेरेंटली रिस्की, गोल्ड इज इनहेरेंटली रिस्की, या सर्टेन अदर थिंग विच कैन बी कैरीड अवे बाय द एम्प्लॉई इन हिज पॉकेट इज इनहेरेंटली रिस्की। तो वो सब चीजें हमें देखना है कि वो जो इनहेरेंट रिस्क ऑफ द बिजनेस है उसके लिए एंटिटी ने क्या कंट्रोल किया है, उसने इंटरनल कंट्रोल उसके लिए डिजाइन किए होंगे। अगर उसकी मशीन ऑब्सोलीट हो रही है तो क्या उसने उसको देखा है, अगर उसकी मशीन अगले 3 साल बाद ऑब्सोलीट होने जा रही है तो क्या उसने उसके रिप्लेसमेंट के बारे में सोचा है, या उसके जो कस्टमर, जिस कस्टमर से वो डील कर रहा था वो कस्टमर आज की डेट पर अपने आप में स्टिक हो रहा है तो क्या उसने अल्टरनेटिव कस्टमर्स के बारे में सोचा है, या जो सप्लाई चेन थी उसकी वो खराब हो रही है, सपोज आज चाइना से इम्पोर्ट खत्म हो जाता है तो दोज इम्पोर्ट, दोज इंडस्ट्रीज, दोज एंटिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑन चाइना, तो क्या उनके पास अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ सप्लाई हैं, इससे बिजनेस रिस्क। तो उसकी अगर टर्नओवर डाउन हो रही है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो रही है, इससे बिजनेस रिस्क। तो उसके लिए उसने कौन से कंट्रोल डिजाइन किए हैं, वो कंट्रोल हमें उससे लेने हैं, हमें समझना है। अगर वो कंट्रोल हम समझते हैं कि कंट्रोल्स आर इफेक्टिव तो हमारा ऑडिट रिस्क कम हो जाता है। अगर इफ द कंट्रोल्स आर इफेक्टिव देन आवर ऑडिट रिस्क इज लो, इफ द कंट्रोल्स आर नॉट इफेक्टिव देन आवर रिस्क इज वेरी वेरी हाई। तो हमें जो ऑडिट करना है, हमने अपने रिस्क को कम करना है। व्हाट इज ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क को कम करना है। व्हाट इज ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क इज टू गिव एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। हम एक ओपिनियन दे रहे हैं दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट when actually there exists the material misstatements, तो हमारा ओपिनियन गलत हो गया। तो हम गलत ओपिनियन ना दें, इसके लिए हमें अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को डिप्लॉय करना है, और वो ऑडिट प्रोसीजर्स डिप्लॉय कहाँ करना है, जहाँ हमारा ज्यादा रिस्क है। ज्यादा रिस्क कहाँ है, ज्यादा रिस्क वहाँ है जहाँ कंट्रोल्स आर वीक। दिस इज 315 से। अब बेसिकली जब मैंने डिस्कस किया कंट्रोल रिस्क, देन बिजनेस रिस्क, हाउ द बिजनेस रिस्क इज इम्पैक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउ द बिजनेस रिस्क इज इम्पैक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने कहा वो तो ऑडिट का रिस्क क्या है, अगर उसकी प्रॉफिटी डाउन हो रही है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगी, इसमें मेरा ऑडिट रिस्क क्या है। अगर उसका लोन बैड हो जाएगा, अगर उसका डेटर बैड हो जाएगा तो बुक्स में आएगा, उसमें ऑडिटर का रिस्क क्या है। यस, ऑडिटर हैज अ रिस्क। क्या होता है, आप एक क्वांटिटी का ऑडिट कर रहे हैं,
उसने बैंक से वर्किंग कैपिटल लिमिट लिया है, अब उसकी टर्नओवर फॉल हो रही है, अगर वो टर्नओवर फॉल होगी तो उसको दिक्कत आएगी बैंक से वर्किंग कैपिटल लिमिट में, एंड यू ऑल नो व्हाट विल हैपन, दैट एंटिटी विल ट्राई टू मैनिपुलेट इट्स सेल सो दैट हिज वर्किंग कैपिटल लिमिट इज नॉट रिड्यूस्ड और ही रिक्वायर्स टू गेट द बेटर वर्किंग कैपिटल लिमिट. तो ऑडिटर का रिस्क, ऑडिट का रिस्क बढ़ गया कि ही मे मैनिपुलेट द टर्नओवर, सो दैट टर्नओवर बिकम्स द रिस्क. तो हमें बेसिकली उन एरियाज को ऐसे 315 के हिसाब से एसेस करना है वेयर द रिस्क कैन बी देयर एज एन ऑडिटर. तो ऐसे 315 के हिसाब से मैंने आपको ये बताया, ये एक छोटा सा सेंटेंस, आइडेंटिफाई द रिस्क मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज नॉट ए स्मॉल सेंटेंस इन द ऑडिट रिपोर्ट. ये हम पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है कि हमने उस रिस्क को असेस किया है. देन दिस इज डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स रिस्पॉन्सिव टू दोज. अगेन आई एम सेइंग वन सिंपल लाइन, छोटी सी लाइन है, डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स रिस्पॉन्सिव टू दोज. ऐसे 330 पूरा कवर कर दिया, 7 वर्ड्स. ऐसे 700 कहता है जो भी आपने डिटेक्ट किए उन रिस्क के हिसाब से आपने ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन किया और ऑडिट उसी हिसाब से परफॉर्म किया. अब क्या हुआ, 330 कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, वन इज द कंप्लायंस प्रोसीजर्स, अनदर इज द सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स. कंप्लायंस प्रोसीजर्स जो एंटिटी ने अपने रिस्क डिटेक्ट किए उसके बाद उसने उसके जो कंट्रोल डिजाइन किए इंप्लीमेंट किए, ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल कि उन प्रोसीजर उन कंट्रोल्स को जैसे जैसे ऑडिट आपके एंटिटी ने बताया है हमने चेक किया, चेक करके हमने पाया कि वो ठीक है या कहाँ डेफिशिएंसी है, जहां हमने देखा डेफिशिएंसी है तो ये हमारा कंप्लायंस प्रोसीजर हो गया. कंप्लायंस प्रोसीजर्स के अंदर हमने देखा कि डेफिशिएंसीज कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती हैं और जहां जहां डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर. तो ये सारा ऑडिट प्रोसीजर्स को एक छोटे से पैराग्राफ में हमने डिजाइन किया. तो बेस्ड ऑन द रिस्क वी आर डिजाइनिंग आवर ऑडिट प्रोसीजर्स एंड वी आर सेइंग इन आवर ऑडिट रिपोर्ट दैट वी हैव डन इट. नाउ आई कम टू द सेकंड नेक्स्ट लाइन, एक छोटी सी ऑडिट रिपोर्ट है, द रिस्क इज ऑफ नॉट डिटेक्टिंग ए मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज हायर देन फ्रॉम रिजल्टिंग फ्रॉम एन एरर एज फ्रॉड इन्वॉल्व कलूजन फोर्जरी. अब हमने कहा कि रिस्क जो होता है अगर कोई एरर होती है, एरर को डिटेक्ट करना बड़ा आसान है, एरर कैन बी डिटेक्टेड बट फ्रॉड मे और मे नॉट बी डिटेक्टेड, क्योंकि उसमें कोलिजन भी होता है, इंटेंशनल भी होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन भी होता है, ओवरहेड ऑफ कंट्रोल भी होता है. हमने पूरा ऐसे 240 को डिवाइन कर दिया. हमने तीसरे स्टैंडर्ड पे इसी पैराग्राफ में आ गए कि हम ऐसे 240 पर आ गए. हमने ऐसे 240 को डिफाइन किया और हमने कहा कि ऐसे 240 के हिसाब से वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रॉड्स, वी आर टेकिंग द शेल्टर ऑफ ऐसे 240 इन दिस ऑडिट रिपोर्ट. बट फ्रेंड्स व्हेन वी आर टेकिंग अ शेल्टर ऑफ एनी स्टैंडर्ड, देखिए स्टैंडर्ड्स हमें शेल्टर दे रहे हैं, जब हम स्टैंडर्ड्स का शेल्टर ले रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड हमें करने को क्या कहता है, क्या हमने वो किया है जिसका हमने शेल्टर लिया है. अगर हमने वो नहीं किया तो उस स्टैंडर्ड का शेल्टर हम नहीं ले सकते. ऐसे 240 कहता है कि इन एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देयर इज रिपोर्ट, आपकी प्रेजम्पशन होनी चाहिए कि इन एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देयर इज ऑलवेज अ फ्रॉड. अब आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी है तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक एक सेशन को, एक एक लाइन को इस हिसाब से चेक करना है, इस हिसाब से विजुलाइज करना है कि वेयर फ्रॉड कैन हैपन, और आपको एक एक को एक एक करके उसको चेक करना है कि कहाँ फ्रॉड एग्जिस्ट कर सकता है कहाँ नहीं कर सकता है, और उसके हिसाब से आपको ऑडिट करना है. डिटेक्ट नहीं करना बट यू हैव टू चेक वेयर फ्रॉड कैन हैपन, सच थिंग्स सच प्लेसेस वेयर फ्रॉड कैन हैपन. एक्ट 40 क्लियरली कहता है कि दे आर टू एरियाज वेयर चांसेस ऑफ फ्रॉड आर वेरी वेरी हाई एंड इन योर ऑडिट फाइल यू हैव टू document that why you have assumed or why you have concluded that frauds are not there into these two areas. What are those two areas? One area is revenue recognition, another area is
मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल, कहते दो एरिया ऐसे हैं जिसमें आपको अपने ऑडिट फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट करना है दैट व्हाई यू हैव कंक्लूडेड दैट देयर इज नो फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन में आपने बहुत डिटेल ऑडिट करना है कि जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है उसके जो कंट्रोल आई उसके कंट्रोल्स बहुत इफेक्टिव है। अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं थे तो आपने ऑडिट फाइल में लिखा कि कंट्रोल्स वर नॉट इफेक्टिव बट यू हैव अप्लाइड द ऑडिट प्रोसीजर्स एंड सच ऑडिट प्रोसीजर सफिशिएंट एनफ टू कंक्लूड दैट देयर वाज नो। Another is the management override of control. ये जो management override of control है, basically हम बात करते हैं, हम कहते हैं बहुत छोटी छोटी entities को audit करते हैं। जब हम internal financial controls की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो बहुत छोटी entity है, या हमारा जो auditee होता है वो कहता है I am too small, मेरे पास तो सारे control मेरे हाथ में ही है, I am the owner driven company, check भी मैं sign करता हूँ, purchase order भी मैं sign करता हूँ, sale party में book करता हूँ, पेमेंट भी अपने हाथ से साइन करता हूँ, आई एम लुकिंग आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग, सो फ्रॉड कैन नॉट हैपन, वी अंडरस्टैंड। बट व्हेन वी से इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स इन सच ऑर्गेनाइजेशन देयर इज वन वीकनेस एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वीकनेस दैट इज मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल। जब सब कुछ एक आदमी एक मैनेजर एक ऑनर ड्रिवन कंपनी के केस में एक ऑनर कर रहा है, इन दैट सिचुएशन दिस इज अ बेसिक प्रिजम्पशन ही कैन व्हेन एवरीथिंग इज विद इन हिज कंट्रोल when he can override anything then fraud risk of fraud becomes very very high and that risk of fraud is the management override of control। so aapko us situation ke andar basically jab humne ye pura paragraph complete kiya to isme humne risk ko assess kiya uske liye controls laga dekh controls check kiya uske liye humne further audit procedures lagaye to humne dekha ki fraud kahan ho sakta hai aur two areas of frauds are very very relevant to ye sab check karte hue humne ek audit program banaya। jo humne audit program banaya to basically jab hum sab kuch karte hain to bhi check the risk, basically what is risk, risk is हम देखते हैं कहाँ आपका normal risk है कहाँ आपका significant risk है। दो तरीके के risk हो सकते हैं, आपके audit file में भी ये बहुत अच्छे तरीके से conclude होना चाहिए कि कौन कौन से areas को आपने significant risk माना, कौन कौन से areas को आपने normal risk माना। कुछ areas होते हैं जहाँ आप समझते हैं कि ये इस company के अंदर इस entity के अंदर ये significant risk areas है और इस entity में ये normal risk areas है, तो आपकी ऑडिट फाइल ये बतानी चाहिए कि आपने जो नॉर्मल रिस्क एरियाज के अंदर नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर लगाए और जो सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज थे उसमें आपने मोर देन नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर लगाए। व्हाट इज द नॉर्मल ऑडिट एरिया, कि आपने ज्यादा स्किल स्टाफ को लगाया, आपने अनप्रोडक्टिविटी इन द ऑडिट प्रोसीजर लगाया, अनप्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, कि जब हम ऑडिट करते हैं तो हम ऐसे 260 कहता है कि जो नेचर एक्सटेंट टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है दैट यू विल शेयर विद द with audit governance with the management ki this is the nature timing and extent of the audit procedure। aur suppose main watching kar hum watching karte hain, humne kaha march ki watching karni hai, september ki watching karni hai, april ki watching karni hai, lekin significant risk areas ke andar unproductivity lenge, hum normal mein jaise audit procedure lagate the usse kahin na kahin different audit procedure lagayenge and your audit file should state these things very clearly। ye paragraph yahan jaake complete hota hai। now obtain an understanding of the इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स रिलेवेंट टू दी ऑडिट, हमने ऐसे 315 के हिसाब से डिस्कस किया, हम एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की एंड दैट आर अप्रोप्रिएट टू डिजाइन अवर ऑडिट प्रोसीजर। अब इसमें एक जो सेकंड लाइन है मैंने अंडरलाइन किया है कि 143 आई के अंदर हम कुछ कंपनी के केस में रिपोर्ट करते हैं रिगार्डिंग द एक्यूरेसी ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड देयर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। तो जिन केस में हम ये रिपोर्ट नहीं कर रहे, प्राइवेट कंपनी जहाँ एग्जम्पशन है उसमें ये लाइन हम डिलीट कर देंगे। अंडर 143 I ऑफ द एक्ट वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, बिकॉज वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग ओपिनियन सो वी विल डिलीट दोस लाइन। नेक्स्ट इज दैट वी हैव इवैल्यूएटेड द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी, जो पॉलिसी यूज की है उसको हमने अप्रोप्रिएट किया है और कंसिस्टेंटली यूज हो रही है, और रीजनेबलनेस of the accounting estimates is the significant risk area। जो हमने risk areas पढ़े थे उसमें accounting estimates अपने आप में एक significant risk area है। significant risk area वो areas होते हैं जहाँ bias आता है, estimate has bias, इसमें कहीं ना कहीं हम gratuity अगर suppose हम estimate कर रहे हैं या कोई warranty estimate कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं management का bias आ जाएगा, उसमें एक छोटी सी हम assumption change करके total figure को change कर सकते हैं। I just give you an example, एक estimate में क्या हो सकता है, ये ऐसे
560 के हिसाब से दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड टू रीड. हम एक ऑडिट कर रहे थे किसी ग्रेचुटी एक कंपनी में ग्रेचुटी का. अब ऑडिट करते हुए जब हमने ग्रेचुटी वैल्यूअर की रिपोर्ट देखी, हमने क्या करते हैं ग्रेचुटी वैल्यूअर जब रिपोर्ट देता है तो जो उसने हमें बताया एज इट इज हमने देखा कि अकाउंटिंग एंट्री हो गई है, वी आर सेटिस्फाइड बट अवर जॉब डजंट एंड देयर. हमें सिर्फ उसकी रिपोर्ट देख के काम नहीं होगा, हमें देखना है कि उसकी रिपोर्ट में उसने एग्जेम्पशंस क्या लिए हैं और आपकी एंटिटी ने डाटा दिया उसको. हमने देखा हम जब हम ऑडिट कर रहे थे कि एग्जेम्पशन थी द रिटायरिंग एज ऑफ द स्टाफ दे हैव मेंशन 60 इयर्स. जब हम ऑडिट कर रहे थे हमें पता था कि बहुत सारा स्टाफ है जो ओवर 60 में काम कर रहा है, तो हमने कहा तो एग्जेम्पशन ही गलत है. आपने एस्टिमेट की ग्रेचुटी 60 की एज के ऊपर 60 से ज्यादा का स्टाफ में काम कर रहा है, हाउ कैन यू राइट 60. तो जो बेसिकली जो एक्सपर्ट था जो एक्चुअली था उसको इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ने दी 60, उसने एज इट इज उसका एक्सेप्ट किया, उसने वैल्यू कर दिया एंड जस्ट बाई चेंजिंग दैट 60 देयर वाज अ चेंज इन द प्रोविजन फॉर 2 crore rupees. जस्ट बाई चेंजिंग दैट एजम्पशन देयर वाज अ चेंज इन द टोटल प्रोविजन ऑफ 2 crore rupees. यू कैन सी दैट वन एजम्पशन कैन चेंज द टोटल सिनेरियो. सो अकाउंटिंग इज दैट एस्टिमेट इटसेल्फ वेदर दे आर रीजनेबल. तो हमें उसको चेक करना है, हमें चेक करना है एजम्पशन क्या उसके वेदर दे आर ठीक है. या जो डाटा मैनेजमेंट ने दिया है आप उस डाटा को जरूर एक बार चेक कर लें, कोई भी एस्टिमेट एज इट इज एक्सेप्ट ना करें. रिलेटेड डिस्क्लोजर्स ठीक है, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएटनेस ये मैंने डिस्कस किया था, मैनेजमेंट से आपने अप्रोप्रिएट उसकी जो अप्रोप्रिएटनेस है दी है. अगर जो भी कंक्लूजन गोइंग कंसर्न का मैनेजमेंट का है आपने उसको अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं, आपको चेक करना है वेदर दैट इज एडिक्वेट और नॉट. अभी ऐसे 570 में यहाँ तो हमने लिख दिया, इसके बाद हम ऑडिट में क्या करना है वी विल डिस्कस. ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर जो हमारा शेड्यूल 3 है उसके हिसाब से है कि नहीं है. इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है मेटेरियलिटी, क्योंकि मेटेरियलिटी जो है ऑडिट शुड बी बेस्ड ऑन मेटेरियलिटी. हम लोगों को एक आदत डालनी पड़ेगी, आई एम वेरी फ्रैंक एंड वेरी वेरी फेयर कि हम इस वर्ड को बिल्कुल यूज ही नहीं करते हैं, मेटेरियलिटी को हम यूज ही नहीं करते. और मेटेरियलिटी हमारे लिए बहुत अच्छा वेपन है, आई टेल यू व्हाई. जब हम ऑडिट करते हैं हम ऑडिट स्टाफ को पहली बात तो हमारा जो तरीका ऑडिट का, हम ऑडिट करने के लिए ऑडिट स्टाफ को फाइल दिया, वो जाता है वो वॉचिंग स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो कहते हैं क्या करना है आप लाइसेंस खुद निकल लो ठीक है. उसके बाद हमने उसकी दैट विद ऑडिट स्टार्ट दैट इज नॉट द प्रॉपर वे. हमें पहले ऑडिट प्रोग्राम बनाना है, ऑडिट प्लान बनाना है, SL 300 के हिसाब से प्लानिंग करना. उसमें हमने पहले रिस्क असेस कर लिया, रिस्क के हाथ कंट्रोल देख लिए, कंट्रोल के हिसाब से हमें पता चलेगा डेफिशिएंसी क्या है, हमें पता चल गया कहाँ हमें सिग्निफिकेंट ऑडिट करना है कहाँ हमें नॉर्मल ऑडिट करना है, ये सब हमारा ऑडिट प्रोसीजर तैयार हो गया. इसमें हमने देखा सिग्निफिकेंट जब देखते हैं मेटेरियलिटी देखते हैं. मेटेरियलिटी क्या है, मेटेरियलिटी आई डिस्कस मेटेरियल है कि दैट अमाउंट विच कैन इफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब अगर एक कंपनी का प्रॉफिट 9 crore है, अगर वो प्रॉफिट 9 crore ना होकर 8 crore 75 lakh हो जाएगा तो क्या किसी के इकोनॉमिक डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकता है वो. अगर इफ समबडी सम यूजर कम्स टू यू वो कहता है कि मैंने तो कंपनी को लोन दिया था ये सोच के कि उसका प्रॉफिट 9 crore है लेकिन ये तो 25 lakh की एरर मिली, व्हेन देयर इज अ एरर ऑफ 25 lakh तो इसका प्रॉफिट तो 8 crore 75 lakh रह गया. अगर 8 crore 75 lakh होता तो मैं इन्वेस्ट ना करता, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल. दैट 25 lakh वॉज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट इज इकोनॉमिक डिसीजन. तो हमें देखना है कि उसके इकोनॉमिक डिसीजन को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है. तो मेटेरियलिटी डिफाइन करनी है, मेटेरियलिटी डिपेंड अपॉन दी एंटिटी, एंटिटी का साइज भी डिपेंड करती है, उसकी नेचर भी डिपेंड करती है, और हमें उसकी मेटेरियलिटी किस बेस पे रखनी है, प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे रखनी है. अच्छा बहुत सारी कंपनी के केस में टर्नओवर के बेस पे रखते हैं. अच्छा कोई NBFC है तो उसमें टर्नओवर कुछ नहीं होगी, एसेट साइज बहुत बड़ा होगा, उसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत छोटा होगा बट एसेट साइज बहुत बड़ा होगा. सो दैट कैन बी इन द बेस अ परसेंटेज ऑफ द एसेट्स. So there can be different ratios. Materiality to discuss. We have to first define. क्या होता है even sometimes ऑडिटी हमारे को एक ऑडिटर के पास आके कहता है कि साहब आपने ऑडिट प्रॉपर नहीं किया, क्या हो गया कंपनी की टर्नओवर 100 crore. I'm just giving an example. हमने ऑडिट किया एक मशीनरी का बिल 1 lakh rupees का परचेज अकाउंट में डेबिट हो गया एंड लेटर ऑन योर ऑडिटी कम्स टू यू कि आप के स्टाफ ने ऑडिट ठीक से नहीं किया,
जो मशीनरी परचेज की थी वो परचेज अकाउंट में चला गया और आपका ऑडिटर, आपका ऑडिट साहब से पकड़ ही नहीं पाया। यू कैन से मिस्टर ऑडिटी, हैव यू सीन द मैटेरियलिटी, हैव यू सीन द मैटेरियलिटी, वेदर 1 lakh वाज माय मैटेरियलिटी, 1 lakh वाज नॉट माय मैटेरियलिटी एंड द 1 lakh दिस दिस आई ऑडिटेड माय योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन दिस लेवल ऑफ मैटेरियलिटी एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल टू दैट लेवल ऑफ मैटेरियलिटी। इट कैन हैपन विद द ऑडिटी, इट कैन हैपन इवन इन द इनकम टैक्स, कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू चला गया, लेटर आईटीयू आपसे पूछता है 50,000 रुपए का एक प्रिंटर परचेस किया था, कंप्यूटर परचेस किया था, परचेस में चला गया और आपने पकड़ा नहीं है, और ये तो नेगलिजेंट, नो वी आर नॉट नेगलिजेंट। हम टैक्स देते हैं, टैक्स ऑडिट को भी ऐसे 700 में ही देते हैं, और हमें स्पेसिफिकली ऐसे 700 में अपनी इस ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ को प्रॉपरली डिस्क्लोज करना चाहिए, इवन इन और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, कि हमने ऑडिट मैटेरियलिटी लेवल पे किया है। It's not that I'm guaranteeing each and everything. There cannot be any error. So materiality has to be defined while planning the audit, and materiality should be seen after the completion of the auditing. ये कहता है, we have considered quantitative materiality and qualitative factors in planning the scope of our work and evaluating the results of our work. जो हमने complete जो audit opinion से पहले जो आपको evidence मिले, उसके उसको हम जो analyze किया, उसको भी materiality level के ऊपर देखा है, and the to evaluate the effect of identified misstatements in the financial statements. Misstatements को हमने जो देखा है वो उसी materiality level पे देखा है. So materiality we have to define and we have to analyze even during the currency of audit whether that materiality is perfect or not. Even if you wish to revise, you can revise. So audit has to be done on materiality. बहुत ज़्यादा detail में जाऊँगा, ऐसे 320 है. अगर उसको discuss करेंगे तो overall materiality, performance materiality, channel materiality. अगर उसके अलग से हम रखें तो आप स्टैंडर्ड्स को आप ऐसे रख सकते हैं 5-6 स्टैंडर्ड 3-4 दिन में कवर करें तो यू कैन हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ द स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट इज व्हाट वी कम्युनिकेट टू दो चार्ज विद द गवर्नेंस, ऐसे 260 और ऐसे 265 को इसमें दो इसी पैराग्राफ में कवर किया है। वी आर रिस्पॉन्सिबल कि जब हम ऑडिट स्टार्ट करते हैं, हम नॉट ओनली ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट जो कुछ भी है, वी हैव टू कम्युनिकेट विद दो चार्ज विद द गवर्नेंस। क्या क्या कभी जो भी हमारा स्कोप है ऑडिट का, जो हमारा टाइमिंग ऑफ ऑडिट है, जो हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, जो हमारी फाइंडिंग्स हैं, इवन जो आपका ड्राफ्ट ऑडिट है, आपकी ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट है, यू हैव टू फर्स्ट कम्युनिकेट टू दो चार्ज द गवर्नेंस। ये हमेशा याद रखें कि जब हमें कभी भी मॉडिफाइड ओपिनियन देना है तो ऐसा नहीं है कि हमने ऑडिट रिपोर्ट अचानक दे दी है, अगर हमने वो रिपोर्ट पहले कम्युनिकेट नहीं की देन यू आर नेग्लिजेंट। तो सेकेंड ऐसे 265 सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल जो भी हमें मिलती है, दोज हैज टू बी कम्युनिकेट टू दी ऑडिटी। अब एक चीज मैं 2 मिनट डिस्कस करना चाहूंगा इसमें, क्योंकि हमें नॉर्मल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं छोटी एंटिटी के हिसाब से बात कर रहे हैं, जब हम ये बात करते हैं पूरी बड़ी बात करते हैं तो एक लिस्टेड कंपनी के कैसे, बड़ी कंपनी कैसे, तो वो भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, तो ये बात समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रॉब्लम क्या आती है, जितनी भी हमारी छोटी छोटी कंपनियां हैं या नॉन कॉर्पोरेट हैं, उनके पास कोई रिटर्न इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होता ही नहीं है, कोई भी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिटर्न नहीं होता, बट दैट डजंट मीन कि उनका इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होता नहीं है। मैं इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि कोई भी बिजनेस एंटिटी आपके पास अपना कोई इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हमेशा टाइप करता हूँ, माई ऑफिस इज इन दरियागंज। अब दरियागंज में मेरे ऑफिस के बिल्कुल खास सामने कॉर्नर पे कुलचे छोले वाला बैठता है। I just give a very simple example कि वो डेली जब कुलचे लेके आता है या छोले लेके आता है तो उसे कैसे पता है कि उसको कितने कुलचे लेके आने हैं, उसके साथ कितने छोले लेके आने हैं। That means he has some business control, उसको पता है कि मेरे कितने बिकेंगे और मुझे कितने कुलचे का कितने छोले देने, उसी हिसाब से वो छोले लाता है। तो उसका अपना सिस्टम बहुत परफेक्ट है, ठीक है, मतलब आप, मैं इसलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है, अगर एक छोले कुलचे वाले का इंटरनल अपना फाइनेंशियल कंट्रोल, बिजनेस कंट्रोल इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो आप समझिए कि आपकी जो एंटिटीज का ऑडिट करें, हाउ कैन यू से कि उनका अपना फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं है, ऑल एंटिटीज है फाइनेंशियल कंट्रोल। मैंने एक सिंपल का तरीका अडॉप्ट किया अपने ऑफिस में, आई जस्ट शेयर विद यू। मैं जब किसी फाइनेंशियल, आई नो माई यू ऑल नो, आई नो एंड यू ऑल नो यूर क्लाइंट्स, यूर ऑडिटी, आपको पता है उसमें ट्रेडिंग क्या है, उसमें मैनुफैक्चरिंग है, टाइप ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है, उसके हिसाब से आप उसकी जो मेजर एक्टिविटीज है, वेदर इट इज परचेज, वेदर इट इज सेल, एनबीएफसी, तो वेदर इज लोन और मेजर एक्सपेंसेस,
जो भी मेजर पार्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल उसके क्वेश्चन बनाएंगे। आस्क योर ऑडिटी, क्या आप बताइए कि आप परचेज कैसे करते हैं, आपने बना लिया कि आप परचेज ऑर्डर कैसे देते हैं, आप पार्टी कैसे चूज करते हैं, आप रेट कैसे डिसाइड करते हैं, आपने 8-10 लाइन का क्वेश्चन बना लिया। और आस्क योर ऑडिटी, जस्ट फिल इन द ब्लैंक, जस्ट फिल इन द ब्लैंक। अब राइट वॉट एवर यू डू, आपको कि मैं ये नहीं है कि मैनेज करना है, ऑडिटी को मैनेज नहीं करना, वो कर तो रहा ही है, परचेज तो रहा ही है, करना वो लिखते। एंड आपने सारे जो उसके जो मेजर एक्टिविटीज को नोट डाउन कर दिया, आई थिंक इन 2-3 पेजेस यू कैन गेट द प्रोसीजर्स ऑफ ऑल द मेजर एक्टिविटीज विच योर ऑडिटीज, चाहे परचेज रिलेट करती है, चाहे सेल्स रिलेट करती है, चाहे मेजर एक्टर्स रिलेट करती है, लोन रिलेट करती है, ऑल दोज या उसके स्टॉक्स इन्वेंट्री कंट्रोल से इफेक्ट करती है। आप लीजिए कि रिकॉर्ड कौन रखता है, चेक कौन करता है, चेक पेमेंट कौन करता है, लिख लीजिए एक ही आदमी करता है, टेक इट एज इट इज जो कर रहा है, देन यू नोट डाउन द डेफिशिएंसीज। आप लिखिए नोट डाउन कि हाँ ये वीकनेस है, इट विल हेल्प यू इन टू वेज, वन वे यू कैन सजेस्ट योर काइंड टू इम्प्रूव दैट सिस्टम फर्स्ट, सेकेंडली उन डेफिशिएंसीज को देख के आपने कंट्रोल वीकनेसेज अपने ऑडिफायर में लगा ली। नोबडी इज सेइंग कि आपको उसका कंट्रोल को इम्प्रूव करना है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आपसे उसके कंट्रोल इम्प्रूव करने की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि जहां उसके वीकनेसेस है कंट्रोल में उसके हिसाब से अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को अडॉप्ट किया कि नहीं किया। आपने लिखा कि ये वीकनेसेस थी, ये मैंने उसको कम्युनिकेट कर दी, एंड आई आस्क हिम टू इंप्रूव इट, एंड अकॉर्डिंग टू द वीकनेसेस आई हैव अडॉप्टेड सो 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 ऑडिट प्रोसीजर्स, माई फाइल ऑडिट फाइल इज कम्प्लीट, नॉट ओनली कम्प्लीट, आई हैव डन द ऑडिट एज रिक्वायर्ड, सो इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। नेक्स्ट इज एथिकल स्टैंडर्ड्स, हमने कम्युनिकेट किए हैं भी 2-4 जो गवर्नेंस, हमने इंडिपेंडेंस को देखा है, आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स 2020 आ गए हैं, आपको देखना है कि आपके इंडिपेंडेंस के जो आपके जो एथिकल 5 प्रिंसिपल्स हैं या उसके थ्रेट्स हैं 5, वो आपने कैसे देखे। अब तो नया जो फी स्ट्रक्चर आ गया, आपने कम्युनिकेट किया कि नहीं किया, आपके गिफ्ट कितना ले सकते हैं, एथिकल स्टैंडर्ड बहुत अभी जो 2020 से आए वो शायद आपने शायद उसको इलेक्शन भी रखा है, शायद कल चोपड़ा जी का है, तो ही कैन एक्सप्लेन यू इन अ वेरी वेरी He is the master of the things. So मैं first पहला पढ़ा था वो professional skepticism and professional judgment. फिर मैंने 7 paragraph पढ़े. Now I am coming to the 8. 1+7+1. Why I am saying 1+7+1? This one is applicable on the listed companies. ये बात करता है कि audit matters. ये this is applicable only for listed companies. कि what are the key audit matters in the audit of a particular financial statement? Those you are required to report. Institute कहता है कि this is applicable for listed companies and recommendatory for other companies. मतलब as per ICAI guidance notes, they want us also, other companies also, other in the case of other financial statement also, they are encouraging us to use this CAM paragraph, क्योंकि यही basically उस audit report को life दे रहा है, क्योंकि ये जो इसके अंदर हम कभी copy paste नहीं कर सकते, ना दूसरी कंपनी से कर सकते हैं, ना एक ईयर से दूसरे ईयर में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एवरी दिस कैम पैराग्राफ इज डिफरेंट, सो दिस कैम पैराग्राफ विल डिस्कस इन 5 मिनट्स, गोइंग कंसर्न को आगे हम डिस्कस देखिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, अब इस ऑडिट रिपोर्ट को कंप्लीट करने के बाद जो नए जो फैक्टर्स आए हैं वो है, सबसे पहला पैराग्राफ आया हमारा 570 अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग, ये एक ऐसी फैक्टर है गोइंग कंसर्न। अगर आप जो हमारा कारो 2020 आ रहा है, जो एक साल के लिए हो गया, अगर हम उसे देखें तो दैट कारो का जो उस कारो का जो मेन स्ट्रेस है, जो मेन थर्स्ट है, वो गोइंग कंसर्न है, उसमें सबसे ये रेशियो एनालिसिस से उससे पूछे हैं। अगर हम लास्ट 5-6 साल से देखें तो बेसिक गवर्नमेंट का जो फोकस है वो ये देखना है कि ऑडिटर गोइंग कंसर्न को कितना चेक कर, तो गोइंग कंसर्न के ऊपर रिपोर्टिंग हमारे लिए इट इज अ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, हमारे से कहीं से कमी ना रह जाए। तो गोइंग कंसर्न में बात करते हैं, गोइंग कंसर्न में 3 सिचुएशन हो सकती है। पहले आपने मैनेजमेंट से कहा कि वेदर गोइंग कंसर्न का आपने असेसमेंट किया, मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेस किया और मैनेजमेंट ने पाया कि गोइंग कंसर्न उसका प्रॉपर है और ठीक है, उसने आपको दिया,
आपने उसे एसेस किया एंड यू ऑल्सो फाउंड देयर इज नो रीजन टू डिसबिलीव द मैनेजमेंट एंड गोइंग कंसर्न इज परफेक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट में गोइंग कंसर्न का कोई पैराग्राफ भी नहीं आना, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी सिचुएशन आती है, मैनेजमेंट ने एसेस किया दैट इट इज अप्रोप्रिएट, उसके एनालिसिस हुआ, अब उसकी जो एनालिसिस था आपने उसको चेक किया, आपको लगता नो देयर आर सर्टेन मैटर्स विच कैन कास्ट सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस ऑन द गोइंग कंसर्न, विच कैन कास्ट सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस, तो अगर गोइंग कंसर्न नहीं होगा तो क्या होगा, अगर मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया मैनेजमेंट क्या करेगी, अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड ऑन रिलायबल वैल्यू फेयर वैल्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड ऑन रिलायबल वैल्यू, तो जो भी एसेट्स हैं वो रिलायबल वैल्यू पे हो जाएंगे, लायबिलिटीज यू कैन नॉट असेस ऑन रिलायबल वैल्यू, वो तो जो भी है वही लायबिलिटी रहेगी, ठीक है, एंड रेस्ट इज द लॉस, एज सिंपल एज दैट, अगर मैनेजमेंट ने वो कर लिया यू हैव नो क्वेश्चन, अगर बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर वैल्यू पे हो गई है रिलायबल वैल्यू पे हो गई है तो इट इज अप्रोप्रिएट, बट स्टिल द स्टैंडर्ड सेज कि जो रीडर ऑफ द बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको समझ में नहीं आएगा, उसके हिसाब से तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, रिलायबल वैल्यू पे है नॉन रिलायबल वैल्यू पे है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, आपने एक नोट भी तो डाला है नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर से कहा उसने आप ऐसे सिचुएशन में आप एक पैराग्राफ डाल दीजिए कि देर इज ए सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी इन द गोइंग कंसर्न, और वो एक पैराग्राफ आप आफ्टर द ओपिनियन पैराग्राफ, आफ्टर द ओपिनियन, ओपिनियन आपका ठीक है क्योंकि प्रेजेंटेशन जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रॉपरली रिफ्लेक्टिंग है रिलायबल वैल्यू तो नहीं है, सो यू हैव नथिंग टू क्वालिफाई और डिस्क्लेम, बट एक पैराग्राफ डाल दीजिए वो क्लियर हो गया। सेकेंड सिचुएशन कहाँ राइज हुई, मैनेजमेंट का असेसमेंट आपने एक्सेप्ट नहीं किया एंड यू से कि नो गोइंग कंसर्न इज इम्पैक्टेड एंड यू हैव प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड आई डोंट एक्सेप्ट, देन यू आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द रिपोर्ट, देन यू आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द रिपोर्ट और डिक्लेम द ओपिनियन। देन कम्स द थर्ड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन क्या राइज होती है, मैनेजमेंट का जो असेसमेंट परफेक्ट है और आपने उसको अप्रोप्रिएटली डिस्कस किया और आपने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया, स्टिल देयर इज अ टच एंड गो सिचुएशन, देयर इज अ टच एंड गो सिचुएशन, उसकी करंट रेशियो नेगेटिव है या देयर इज अनदर मैटर, देयर इज अनदर मैटर विच इज शोइंग कि देयर कैन बी इम्पैक्ट नॉट टुडे इन ऑन अ लेटर स्टेज, तो उसके लिए आपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाया टू एक्सेप्ट द एनालिसिस, जो मैनेजमेंट ने आपको अपना एनालिसिस दिया उसको करेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए आपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स अडॉप्ट लगाए, उससे अपने आपको सेटिस्फाई किया कि ठीक है आज की डेट पे गोइंग कंसर्न इंपैक्ट नहीं हो रहा, बिकॉज यू आर गोइंग व्हेन यू आर रिपोर्टिंग द गोइंग कंसर्न यू आर रिपोर्टिंग फॉर द नेक्स्ट 12, यू आर रिपोर्टिंग फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ एंड इन नेक्स्ट 12 मंथ इट इज गोइंग टू इट इज नॉट गोइंग टू इंपेयर्ड, सो इन दैट केस दिस एसए 570 सेज दैट यू गिव ए की ऑडिट मैटर पैराग्राफ, इन दैट की ऑडिट मैटर पैराग्राफ यू कैन से दैट I have this doubt and to remove my doubt, I have applied such audit procedures to satisfy myself. And in that camp paragraph, you are giving those significant areas which in your view can impact the going concern in near future or a later future. So going concern mein hame teen tarike se reporting ka, main ke example discuss nahi karunga kyunki time लिमिटेड रहेगा। मॉडिफिकेशन पे आ जाते हैं कि हमें तीन तरीके के ओपिनियन होते हैं मॉडिफिकेशन में, आइदर वी गिव द क्वालिफाइड ओपिनियन और वी गिव द एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। नॉर्मली तो हम मॉडिफाइड ओपिनियन देते ही नहीं है, 90% ऑफ आवर ओपिनियंस आर अनमॉडिफाइड एंड 7% ऑफ आवर ओपिनियन आर क्वालिफाइड ओपिनियन से गवर्नमेंट रिपोर्ट एंड 2% एडवर्स एंड 1% इज डिस्क्लेमर ओपिनियन। सो दिस वे वी आर गिविंग योर ओपिनियन, कब हमें मॉडिफाई करना है और मॉडिफिकेशन में हमें कब क्वालिफाई करना है, कब एडवर्स देना है, कब डिस्क्लेम करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द मिसस्टेटमेंट्स, वेदर द मिसस्टेटमेंट्स आर मेटीरियल और वेदर द मिसस्टेटमेंट्स आर मेटीरियल एज वेल एज प्रूफ। मिसस्टेटमेंट हम समझते हैं, मिसस्टेटमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकॉग्निशन मेजरमेंट क्लासिफिकेशन
presentation disclosure of any item of the financial statement or its disclosure as done in the financial statement or as required by the financial reporting framework. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हमसे कई तरीके डिस्क्लोजर चाहता है, या हमने शेड्यूल 3 को यूज नहीं किया है, या हमने जो रिकॉग्निशन एज पर AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, या डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से रिकॉग्निशन है उसके हिसाब से रिकॉग्निशन नहीं किए हैं, उसके हिसाब से मेजरमेंट नहीं किए हैं, तो इससे मिस स्टेटमेंट. तो वो सारी मिस स्टेटमेंट टेकन टूगेदर इफ आर मेटीरियल देन इट इज मेटीरियल मिस स्टेटमेंट. मेटीरियलिटी कहाँ है? विच इफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दिस इज मेटीरियल. When it becomes pervasive, there is a difference between material and pervasive. Pervasive, which is spread everywhere, yeah, which is impacting the major portion of the financial statement. Major portion of the financial statement. Uski definition ye hai ki either it is affecting more than one or two of the accounts, or even if it is impacting only one, then it is the major portion of the financial statement. Agar एक रेवेन्यू ही हमारा बहुत ज्यादा इन्फ्लेट किया गया है एंड इट इज मेटीरियल, या फिक्स्ड एसेट्स का बहुत बड़ा पार्ट है, या लोन सपोज एक कंपनी में एक क्रेडिटर है, हमने मार्च में उसे 2 करोड़ का डिस्काउंट दे दिया. अब वो डिस्काउंट कंपनी ने सोचा कि मेरे को तो इस साल अपना प्रॉफिट कम रखना है, उसने 2 करोड़ का डिस्काउंट अगले साल बुक कर लिया. जब वो अगले साल बुक किया तो इस साल 2 करोड़ से क्रेडिटर भी बढ़ गया और 2 करोड़ से हमारा प्रॉफिट भी हो गया, तो प्रॉफिट कम हो गया. तो 2 करोड़ से हमारा प्रॉफिट इन्फ्लेट हो गया, बट दैट 2 करोड़ बिकम्स मेटीरियल एज वेल एज प्रोग्रेसिव. इफ इट इज प्रोग्रेसिव देन इट इज मेटीरियल एंड प्रोग्रेसिव. 3 सर्कमस्टेंसेस है ऑलरेडी हम जब देते हैं व्हेन इट इज ओनली मेटीरियल, इट इज नॉट प्रोग्रेसिव. इन दोनों सिचुएशन में वेदर वी हैव ऑब्टेन्ड द एविडेंसेस और वेदर वी हैव नॉट ऑब्टेन्ड द एविडेंसेस. अगर हमारे को एविडेंसेस नहीं मिले और हमें लगता है कि जो एविडेंसेस हमें नहीं मिले उसका इम्पैक्ट मेटेरियल होगा प्रोग्रेसिव नहीं होगा, देन वी आर गिविंग दी क्वालिफाइड. और हमारे को एविडेंसेस मिल गए उसका इम्पैक्ट हमारे हिसाब से मेटेरियल एज वेल एज प्रोग्रेसिव है तो हम एडवांस देंगे, और एविडेंसेस नहीं मिले और हमें लगता है उसका इम्पैक्ट मेटेरियल एज वेल एज प्रोग्रेसिव होगा, देन वी विल गो फॉर द डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. तो 3 टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन वी हैव, मैंने डिस्कस कर लिया. व्हेन वी आर अनेबल टू ऑब्टेन साई, आई यूज द वर्ड साई, साई इज sufficient and appropriate audit evidence. 3 situations हो सकती हैं. एक तो circumstances होते हैं जबकि beyond entity control हो, अगर उसका record ही किसी investigating agency ने seize कर दिया and और किसी fire ने destroy कर दिया, तो record is not there, या auditor ने जब काम शुरू किया audit शुरू किया उसका nature of timing और extent ऐसा था कि वो उस वक्त उस चीज को check नहीं कर सकता था, या मैनेजमेंट ने ही कोई लिमिटेशन लगा दिया. देखिए ऐसे 500 हमें 501 कहता है आपके इन्वेंट्री को ऑब्जर्व करना है, और मैनेजमेंट ने आपको इन्वेंट्री ऑब्जर्व करने का मौका ही नहीं दिया, या आपने कहा मुझे एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को ऑब्टेन करना है लेकिन मैनेजमेंट ने आपको एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को ऑब्टेन करने की से रोक दिया. दीज आर दी लिमिटेशन इम्पोज बाई दी मैनेजमेंट. तो इन दैट केस यू कैन से इनेबिलिटी टू ऑब्टेन दी साइन. 2-3 चीजें मैं मोटिवेट अपने बताऊंगा. जब भी हम मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे तो पहला पैराग्राफ जो आता है ओपिनियन पैराग्राफ, दिस इज ओपिनियन, या उसमें हम लिखेंगे क्वालिफाइड ओपिनियन या डिस्क्लोज ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन. बेसिक ओपिनियन लिखेंगे बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन दैट यू ऑल नो. एक छोटी सी गलती है कभी ना हो, जो हमारे गाइडेंस नोट में कहा है कि जो हम पहले वर्ड यूज करते थे जब हम क्वालिफाई करते थे सब्जेक्ट टू दिस, हमारे स्टैंडर्ड ने कहा कि नहीं क्वालिफाइड, हमारे गाइडेंस नोट ऑफ 705. तो जब भी हम मॉडिफाइड में सब्जेक्ट टू वर्ड ना यूज करके एक्सेप्ट फॉर करें, और जब भी हम डिस्क्लेमर जब हम डिस्क्लेम करेंगे ओपिनियन को, तो जो हमने सफिशियंट अप्रूव ऑडिट एविडेंस पैराग्राफ मैंने आपको शुरू में डिस्कस किया था उसके अंदर आप लिखेंगे कि वो नहीं लिखेंगे ऑब्टेन हो गई है. थर्ड, हमारे गाइडेंस नोट ने कहा कि जब हम मॉडिफिकेशन देते हैं बिकॉज ऑफ इनेबिलिटी ऑफ द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, तो उसके हम रीजन भी देते हैं कि हमने क्यों नहीं मिले, तो वो रीजन आपके अपने होने चाहिए. ऐसा ना लगे कि आप मैनेजमेंट की एडवोकेसी कर रहे हैं, आपकी ऑडिट रिपोर्ट मैनेजमेंट की भाषा ना बोले. दैट शुड नॉट सीम टू सीम लाइक दैट.
छोटा बहुत जो हमारे गाइडेंस नोट ने कहा, इसके बाद एक पैराग्राफ आता है यूएम पैराग्राफ ऐसे 706। यूएम पैराग्राफ भी हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते, बट यूएम पैराग्राफ ऐसा भी नहीं है कि हमारा क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड के बीच का है। हाँ, मैं इसको ये जरूर कहता हूँ कि जैसे हम जब रेड लाइट पर खड़े होते हैं तो देयर आर थ्री लाइट्स, वन इज ग्रीन लाइट, वन इज रेड लाइट एंड वन अदर इज येलो लाइट। ग्रीन लाइट मीन्स चलो, येलो मीन्स रेड मीन्स खड़े रहो, देन इफ इज येलो, येलो इज अ क्वेश्चन। आई से मैटर ऑफ एम्फेसिस इज, एम्फेसिस ऑफ मैटर इज अ क्वेश्चन पैराग्राफ, इज अ क्वेश्चन पैराग्राफ। Basically, when anything is properly and appropriately disclosed and presented in a financial statement, कोई भी disqualification नहीं होनी चाहिए, कोई भी misstatement नहीं होनी चाहिए। किसी भी misstatement को आप UM में नहीं लेके जा सकते। कोई भी matter which has been appropriately presented, appropriately disclosed in the financial statement, in that case, if the auditor feels that it is of such a significance that reader of the financial statement should know it. Just I give you an example. एक ऑडिटी की आप ऑडिट कर रहे हैं 31 मार्च को, तो एंटिटी हैज इन्वेंट्री ऑफ 5 करोड़ रुपीज। 31 मार्च, सपोज 31 मई को उस एंटिटी में फायर हो जाती है, फायर हो जाती है, उसका एंटायर स्टॉक उसमें जल जाता है। 31st मार्च को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जो इन्वेंट्री 5 करोड़ की दिखाई दी गई, दैट हैज बीन प्रॉपर्ली रिफ्लेक्टेड, एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड, उसमें कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है। लेकिन जब आप रिजर्व बैलेंस शीट को पढ़ेगा उसको पता होना चाहिए कि जो 5 करोड़ का स्टॉक 31st मार्च को था वो 31st मई को डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो यू कैन गिव एन ईओएम पैराग्राफ इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन योर ऑडिट रिपोर्ट कि दिस रेफरिंग टू दैट नोट of the inventory, that the inventory has so much of, the entity has so much of the inventory, by note number so and so, and this inventory has been destroyed in fire, took place on such and such date. This you are only informing, okay? And you are writing there itself that without qualifying your opinion, without qualifying your opinion, I am saying that refer to that note that is effective. कोई fire हो गया है और वो जल गई है, तो दिस इज ईओएम पैराग्राफ दिस शुड बी यूज। अगर आपके पास आफ्टर द 31st ऑफ मार्च, देखिए दो तरीके की चीजें होती है, मैटर्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बिफोर रिपोर्ट, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है आइदर दैट शुड बी डिस्क्लोज और दैट शुड बी एडजस्टेड। जब आप पढ़ेंगे सब्सिक्वेंट इवेंट्स, सब्सिक्वेंट इवेंट्स दो तरीके के इवेंट्स होते हैं, एडजस्टेबल इवेंट्स और इवेंट दो शुड बी डिस्क्लोज्ड। तो जो भी डिस्क्लोजर वाले इवेंट्स हैं वो डिस्क्लोज नहीं हुए, दैट शुड गो टू ईओएम। सो दिस इज व्हाट ईओएम इज। देन अदर मैटर पैराग्राफ, जैसे हमने ईओएम पढ़ा ऐसे 706 में ईओएम ओएम दो को कवर करता है। अदर मैटर पैराग्राफ, ईओएम वो होता है जो कि विच हैज बीन प्रॉपर्ली रिफ्लेक्टेड प्रेजेंटेड डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अदर मैटर पैराग्राफ होता है विच इज अदर देन दोज मैटर्स विच आर डिस्क्लोज और प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल। It relates to our audit and audit procedure. क्या होता है? Suppose I am the auditor, I am auditing an entity which has 10 branches, and one of that entity has a small branch in a remote area which I could not audit. So I should bring in my audit report that I have not audited a particular branch, being in a remote area, and disclosing the significance of that branch, कि उसकी total revenue कितना है, कितना percent है of the overall, उसकी turnover क्या है, overall का कितना है, उसके assets क्या है, overall का क्या है, to tell कि if I have not audited and that was not material also. तो other matter पर आप या कोई subsidiary है जो कि आपने audit नहीं की, other auditor ने audit की है, you can bring it to other matter paragraph. या कोई और audit procedure है which you are supposed to do, suppose external confirmation you are required to obtain but you could not because the management has not allowed you to obtain the external confirmations. In that case, you cannot qualify the audit report so long as you are satisfied with the balances which are reflected in the financial statement. But you can write in another meta paragraph that I was unable to obtain the external confirmation because
the limitation imposed by the management, but I have applied my other audit procedures to satisfy myself. So these whatever restrictions on the audit procedures are, those should be kept in the other matter paragraph. हम normally EY paragraph other matter paragraph को use नहीं करते. Can paragraph पे हम 5 मिनट लगा लेते हैं. I think 5:30. Basically it is applicable to access to the listed companies, but recommendatory for the other companies. हम ये समझ लेते हैं can क्या है. बेसिकली कैन काम मतलब काम करो, ये तो करना ही है. सिग्निफिकेंट क्यों? बिकॉज इट इज इट हैज अ सिग्निफिकेंस. ये बताता है कि हमने ऑडिट कैसे किया है. मैं इसके लिए एग्जांपल देता हूँ कि सपोज अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और जब रेस्टोरेंट में जाके बैठते हैं तो उसका आजकल नया फैशन हो गया कि किचन जो होता है वो ग्लास होता है. जब ग्लास किचन देखते हैं तो आप अंदर उसकी क्लीनलीनेस, शेफ ने कैप लगाया कि नहीं लगाया, ग्लव्स यूज किए कि नहीं किए, एवरीथिंग यू कैन वॉच एंड दैट गिव्स दैट इम्प्रूव्स योर कॉन्फिडेंस ऑन द रेस्टोरेंट कि नहीं ये इस रेस्टोरेंट में सब कुछ बहुत अच्छा है एंड आई कैन गो फॉर इट. तो वही एक चेंज है. ये कैम ये बताता है कि ऑडिटर ने ऑडिट कैसे किया है. एवरीथिंग हैज बीन ब्रॉट टू ओपन. सो it says it is what these are those matters which in the auditor's professional judgment were of most significance in the audit of financial statement of the current period. जिस period का हम audit कर रहे हैं उस period में उस audit उस financial statement most significant events क्या थे, most significant matters क्या थे, उसका हमें report करना है. most significant. So what is most significant? उन्होंने define किया तीन तरीके के most significant. एक है 315 में आपने जो रिस्क असेस किए, सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज क्या थे. मैंने डिस्कस किया जहां सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज होंगे वहां सिग्निफिकेंट ऑडिट करेंगे, मोर देन नॉर्मल ऑडिट करेंगे. तो सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज में आप मोर देन नॉर्मल ऑडिट करेंगे तो आप कैंप में बताएंगे दीज वर सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज और इसमें मैंने क्या सिग्निफिकेंट ऑडिट प्रोसीजर्स को लगाया. तो बेसिकली आपको यू आर जस्टिफाइंग योर फीस. आपने बताया कि अगर आपको 10 लाख की ऑडिट फी मिल रही है तो आपने उसको कैसे जस्टिफाई किया है. तो ये सिग्निफिकेंट एरियाज है, मैंने ज्यादा काम किया. तो सिग्निफिकेंट रिस्क एरिया. सेकेंडली सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट वेयर हाई एस्टिमेशन एक्सपेक्टेंसी. देखिए जहां एस्टिमेशन ज्यादा है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको ग्रेच्युटी का पहले, देयर कैन बी अ वारंटी इन एनी कंपनी. वारंटी का प्रोविजन बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है, ऑटोमोबाइल कंपनीज है, यहाँ वारंटी इटसेल्फ इज अ वेरी बिग एस्टिमेशन एरिया और एक छोटी सी चेंज कैन चेंज द टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो इसमें मैनेजमेंट बायस है. तो यहाँ दो बायस हो जाते हैं, मैनेजमेंट भी बायस है और मैनेजमेंट बायस को ऑडिटर ने एक्सेप्ट किया तो ऑडिटर का भी बायस भी यूज हुआ है. मतलब बायस ऑफ टू पर्सन आर यूज. तो इट्स ए क्रिटिकल एरिया. तो जो भी ऐसे सिग्निफिकेंट एस्टिमेशन एरियाज हैं दोज बिकम कैन की ऑडिट मैटर पैराग्राफ्स. थर्ड इज ड्यूरिंग द ईयर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ, कोई मर्जर हो गया किसी कंपनी में, दैट मर्जर या किसी कंपनी ने कोई बड़ी सब्सिडरी परचेज कर लिया या अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हुई है कोई, या रिलेटिव पार्टी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है किसी कंपनी में, या कॉम्प्लेक्स रेवेन्यू रिकॉग्निशन डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन. तो जहां नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर से ऑडिट नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा इवेंट सिग्निफिकेंट इवेंट हैपन ड्यूरिंग द ईयर दैट इज ऑल्सो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ. सो हमें की ऑडिट मैटर पैराग्राफ करते हुए तीन चीजों को ध्यान रखना है. मुझे लगता है मैंने ये तो यू कैन अंडरस्टैंड इट. हाँ, हमें इसको रिपोर्ट कैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑडिटर शैल डिस्क्राइब ईच ऑडिट मैटर. की ऑडिट मैटर के अंदर हम पहले एक एक आइटम लेंगे. रेवेन्यू रिकॉग्निशन को लिया हमने, या किसी हमने मर्डर को लिया हमने, या फेयर वैल्यूएशन को लिया हमने. जो भी हमारा की ऑडिट मैटर है हम वन बाई वन उसको डिस्कस करेंगे. पहले एक इशू लेंगे, फिर हम लिखेंगे कि ये इशू हमारे लिए सिग्निफिकेंस का क्यों है, व्हाई वी हैव कंसीडर्ड इट टू बी ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस, दैट रीजन विल गिव. फिर हम लिखेंगे कि हमने इसमें कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए, उन ऑडिट प्रोसीजर्स का आउटकम क्या आया, एंड विल क्लियरली राइट इन दैट कि हम इसे इंडिपेंडेंट कोई ओपिनियन नहीं दे रहे इसकी ऑडिट मैटर पर. हम ये नहीं लिख रहे अगर रेवेन्यू रिकॉग्निशन मैंने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाए, ये मेरा की ऑडिट मैटर पैराग्राफ था एंड आई एम सेटिस्फाइड. वी आर नॉट राइटिंग वी आर सेटिस्फाइड.
We are simply saying to satisfy ourselves what we have done. What we have done. This is what the key audit paragraph. किसी भी we have separate independent opinion नहीं दे रहे. अब ये भी हो सकता है किसी कंपनी में कोई की ऑडिट मैटर पैराग्राफ हो ही ना. हमने ऑडिट किया, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ है ही लिस्टेड कंपनी के केस में, हमें रिपोर्ट तो करना है. तो यू हैव टू असर्ट इन द ऑडिट रिपोर्ट दैट देयर इज नो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ. साइलेंट नहीं होना. अनलिस्टेड कंपनी के केस में रिपोर्टिंग नहीं है, इसलिए नहीं देना तो नहीं देना, अगर देना चाहे तो दे सकते हैं. फिर उसका सीरियल क्या होगा, सपोज वी गेट 5 कैंड, तो पहला कौन सा रिपोर्ट करना है, दूसरा कौन सा रिपोर्ट करना है. नो सब्जेक्टिविटी, जिसकी जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो पहले. इन द हायरार्की ऑफ इंपॉर्टेंस यू विल रिपोर्ट. एंड नंबर ऑफ कैंप नो लिमिट, एनी नंबर ऑफ कैंप यू कैन. अरुण सर एक क्वेश्चन मेंबर का, वो अभी लूं सर या थोड़ी देर बाद सेशन के एंड में? नहीं बोले कर सकते हैं, कर सकते हैं. जी जी, उनका सीए राकेश आहूजा जी हैं, उनका क्वेश्चन है whether each qualification or adverse opinion need to be exactly quantified, whether their impact on P&L account or balance sheet must also be calculated and presented. Yes, actually when you are qualifying, then the impact has to be qualified. Otherwise, if you cannot quantify the impact, then in that case, if you feel it is material, then you will give the qualification that you realize that you have not obtained the evidences and you are not unable to quantify it. Otherwise, in the case of qualification or adverse, you have to quantify the impact. When I say quantify, basically what you have, हमने discuss किया materiality. हमने जब audit किया, तो ऑडिट में हमने मिसिंग स्टेटमेंट्स को हमने 530 के हिसाब से जो ऐसे 530 सैंपल साइज बनाते हैं, सैंपल को लेके हम ऑडिट करते हैं. उस सैंपल के हिसाब से हमने जब मिसिंग स्टेटमेंट्स हमारे पास आए, तो हमने इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे. सपोज हमने सैंपल लिया 110, सैंपल लिया 120, 150, व्हाटएवर सैंपल वी हैव टेकन, तो उसको हम एक्सट्रापोलेट करेंगे टू ओवर द एंटायर पॉपुलेशन. सपोज हमने रेवेन्यू रिकवरी से हम सेल्स चेक कर रहे हैं, सेल्स में जो हमने अपना सैंपल लिया, अगर उसको टोटल पॉपुलेशन में अगर हम उसको एक्सट्रपोलेट करेंगे तो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट क्या होगी. यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट मिसस्टेटमेंट एंड पॉसिबल मिसस्टेटमेंट. समझ रहे मेरी बात को ना, कि मिसस्टेटमेंट तो वही जो हमने पकड़ ली, जो हमने ऑडिट में निकाल ली, जब उसको एक्सट्रपोलेट करेंगे ओवर द एंटायर पॉपुलेशन, तो वहां पर क्या आएगा, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट. व्हेन द मिसस्टेटमेंट एज वेल एज एक्सट्रपोलेटेड टू पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, दैट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल, देन दैट बिकम्स द क्वांटिफिकेशन. If that is not material, if that is material as well as possessive, then becomes the adverse opinion. If that is not material, इसको कुछ होना नहीं है. तीन ही सिचुएशन हो सकती हैं, but that quantification is there. I leave this exception to communication of camp. Camp पे ज़्यादा interest मुझे लगता कि members का होगा. देखिए जी. Yes, sir. Yeah. Other information. Other information basically, what is the other in SA 720? Basically, other information is those informations which a company gives in its annual report apart from the financial statements and auditor's report. There. जब annual report का इतना बड़ा booklet होती है, उसमें financial statement होती है, एक audit report होती है. उसके अलावा 50 तरीके की चीजें होती हैं. All those things. Are other information, whether financial information as well as non-financial information. All are covered and our responsibility to both are covered, whether it is financial information or other than financial information. All informations are other information. ये 720 कोई नया नहीं आया, revised आया. ये responsibility हमारी 1/4/18 से पहले भी थी. ये देखना कि annual report के अंदर जो other informations हैं वो इनकंसिस्टेंट तो नहीं है विद द ऑडिटर्स नॉलेज, ऑडिटर्स ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो बेसिकली ये जो ऐसे 720 है, ये तीन चीजों में डिवाइड करता है. अदर इंफॉर्मेशन है, अदर इंफॉर्मेशन कैन बी इनकंसिस्टेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है उससे अदर इंफॉर्मेशन डिफर कर सकती है. सपोज टर्नओवर है, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 5 करोड़ है, 500 करोड़ है, ठीक है, 500 करोड़ है. अदर इन्फॉर्मेशन जो बाकी इन्फॉर्मेशन में कहीं उन्होंने प्रोजेक्शन दिया है और उसमें करंट ईयर की जो टर्नओवर 600 दिखाई है, 600 करोड़,
So that turnover differs with the financial statement. So this is the difference between financial statement as well as with the other information. Yeah, there can be difference between other information vis-a-vis the other auditor's knowledge. Vis-a-vis the auditor's knowledge. Ye kya hua? Suppose a person, I'm auditing a company. While auditing, I have checked the sales and wages register. And in that register, I found out there were 300 employees. And when the company, while giving the information in their annual report, they wrote there are 400 employees. So that information differs. 400 employees and 300 employees. So it is not a penalty in my audit. Financial statement to koi galti nahi hai. But other information, 400 ki figure hai, wo galat ho sakti hai, 300 bhi galat ho sakti hai. अब हमारे को ये देखना है कि ये जो इनकंसिस्टेंसी है अदर इन्फॉर्मेशन की, क्या अदर इन्फॉर्मेशन गलत है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है या ऑडिटर की नॉलेज गलत है? तीन में से कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो सकती है. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हुई, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो गई तो क्या होगा? यू विल गो टू 560. आप क्या करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करेंगे, उसके फर्दर ऑडिट करेंगे और अकॉर्डिंगली आप उसको फर्दर ऑडिट रिपोर्ट देंगे. ऐसे 560 से उसमें अपने अपने तरीके हैं कि आपने ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने से पहले पकड़ लिया, ऑडिट रिपोर्ट पहले से देने से पहले पकड़ लिया, या फिर ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गई है तब पकड़ा है. उसके जिस तरीके से होना उस तरीके से होना. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस्टेक मिली है तो दैट हैज टू बी रिवाइज्ड. तो उसके लिए ऐसे 560 जैसे एप्लीकेबल होता है वैसे एप्लीकेबल. एक सिचुएशन ये हो गई, एक सिचुएशन हो गई कि अदर इन्फॉर्मेशन में गलती नहीं है, ऑडिटर की नॉलेज में गलत है. ऑडिटर की जो नॉलेज है वो गलत है, इसका मतलब ऑडिटर ने जो रिकॉर्ड देखा वो गलत था. तो हम आ गए ऐसे 315 पर, रिस्क असेसमेंट. उस मिस्टेक का हमारे रिस्क असेसमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा. हमने जो रिस्क असेस किया था ऐसे 315 का में, जो इन्फॉर्मेशन हमें गलत मिली थी या हमने गलत देखी थी, उससे हमारा 315 का रिस्क असेसमेंट तो गलत नहीं हुआ. अगर हमारा ऐसे 315 पे इंपैक्ट आया, देन योर ऑल ऑडिट प्रोसीजर्स विल इंपैक्ट एंड अकॉर्डिंगली यू विल डू ऑल दी प्रोसीजर्स. अगर उसका वैसे कोई इंपैक्ट नहीं है, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट है, ना ऑडिटर रिपोर्ट में इंपैक्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अदरवाइज अगेन यू हैव टू रिवाइज अदर थिंग्स. थर्ड सिचुएशन, अदर इन्फॉर्मेशन में गलती है. यही ये बेसिकली जो रिवाइज आया वो यही आया है कि अदर इंफॉर्मेशन में कहीं गलती है, इनकंसिस्टेंट है विद द ऑडिटर्स नॉलेज और विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्नओवर लिखा 500 करोड़, अदर इंफॉर्मेशन लिखा 600 करोड़. तो आप बेसिकली जो स्टैंडर्ड कहता है, स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि यू हैव कि ऑडिटर की ड्यूटी क्या है. ऑडिटर की ड्यूटी है टाइमली इंफॉर्मेशन ओपन करनी. मतलब क्या हुआ? बिफोर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट आप मैनेजमेंट से कहिए कि जो आप एनुअल रिपोर्ट में या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में अदर इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हो, वो आप मुझे ऑडिट रिपोर्ट से पहले दे दीजिए, सो दैट आई कैन सी इफ देयर इज एनी इनकंसिस्टेंसी, आई कैन रिपोर्ट अकॉर्डिंगली और आई कैन आस्क यू टू करेक्ट दैट. तो ऑडिटर ड्यूटी इज टू ऑब्टेन दोज इन्फॉर्मेशन ऑन टाइमली बेसिस सो दैट टाइमली एक्शन कैन बी टेकन. फर्स्ट, सेकेंड ड्यूटी उसकी उसको रीड करना, अदर इन्फॉर्मेशन को रीड करना. थर्ड ड्यूटी है इनकंसिस्टेंसी को रिपोर्ट. इसके अलावा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है. हाँ, अदर इंफॉर्मेशन में मिस्टेक मिल गई आपको, अब अगेन तीन सिचुएशन हो सकती हैं. आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं की, यू रिपोर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैनेजमेंट को कहोगे आप इसे ठीक कर दो. प्रोसेस है कि पहले दो चार्ज विद द गवर्नेंस कहोगे, उन्होंने ठीक कर दिया ठीक है, नहीं तो मैनेजमेंट को कहोगे उसने कर दिया ठीक है नहीं, तो यू विल रिपोर्ट, आपका काम खत्म हो गया. लेकिन अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी उसके बाद अगर आपको मिस्टेक मिलती है, तो यू विल सी दैट दैट इज करेक्टेड एंड दोज हु गॉट द ऑडिट रिपोर्ट आर प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड ऑफ द मिस्टेक इन द अदर इंफॉर्मेशन. सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर. सो फॉर 720 इज कंसर्न. अब इसमें दो चीजें डिस्टिंग्विश किया है, लिस्टेड कंपनी के केस में और अनलिस्टेड कंपनी के. आपके पास दो बातें हो सकती हैं कि जब आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू की आपको अदर इंफॉर्मेशन मिल गई, मैनेजमेंट ने दे दी, या मैनेजमेंट आपको पता है कि मैनेजमेंट आपको ये इंफॉर्मेशन देगी, यू आर एक्सपेक्टिंग टू रिसीव. लिस्टेड कंपनी के केस में वेदर यू हैव ऑब्टेन और वेदर यू हैव नॉट ऑब्टेन, यू आर एक्सपेक्टिंग टू ऑब्टेन, यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट.
In the case of unlisted companies, only if some of the information has been received by you, only in that case you are required to report. Yes, this transfer between listed and unlisted company. I think I am clear. I can proceed further. जो बेसिक हमारा पर्पस था इसके साथ में था कोविड. वैसे तो मैंने जो डिस्कस किया है उसके अंदर आपको मैंने डिस्कस किया था 315. बेसिकली कोविड क्या है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ, सबसे पहले तो हमें देखना बेसिकली रिस्क क्या है. रिस्क इज कोविड. कोविड से क्या रिस्क है, कोविड से आपको देखना है कि जो इस एंटिटी का आप ऑडिट कर रहे हैं उससे आप देखेंगे कि आपकी एंटिटी के ऊपर कोविड से क्या क्या इंपैक्ट आया, कहाँ का इंपैक्ट आ सकता है. उसकी डिमांड ड्रॉप हो गई, उसकी डिमांड ड्रॉप हो गई. दूसरा क्या इंपैक्ट हो सकता है कि उसकी सप्लाई चेन टूट गई, उसका कस्टमर बेस खत्म हो गया, उसका जो एम्प्लॉय की एब्सेंस है. सपोज आज हम बात करें IFC ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, किसी एंटिटी का जो मेजर एम्प्लॉय है जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखता था वो क्वारंटीन है, तो दैट विल इंपैक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो दैट इज अ रिस्क ऑन द IFR, तो वो आपको देखना है. लिक्विडिटी क्रंच, पेमेंट्स नहीं आ रहे आपके क्लाइंट के, या जिस जगह उसकी आपके क्लाइंट की सेल जा रही है वहां कोविड का इम्पैक्ट है, वर्किंग कैपिटल इश्यूज हैं कंपनी के पास, तो उसके इम्पैक्ट हमें देखना है कि उसके इम्पैक्ट जब हम ऑडिट करते हैं तो इम्पैक्ट आते हैं उसके एसर्शंस के, उसके इम्पैक्ट उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ कहाँ आ सकते हैं. रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे आ सकते हैं. अगर किसी क्लाइंट का आपके ऑडिटी का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है किसी पर्टिकुलर और कंपनी के साथ सप्लाई का, और दैट कंपनी हैज टू सप्लाई एज पर द एग्रीमेंट, बट आप देखते हैं कि जो बायर है उसका, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बिकॉज ऑफ द कोविड डिटेरियरेट हो गई है और वो पेमेंट देने की पोजीशन में है ही नहीं, तो आप AS9 पढ़ें या IND AS 115 पढ़ें, वो कहता है रीजनेबल एश्योरेंस एट द टाइम ऑफ सेल इफ दैट इज पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन इज देयर देन ओनली यू विल रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू. बट हियर इन दिस केस योर एंटिटी, योर क्लाइंट इज सपोज टू सप्लाई बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो पूरा सप्लाई कर चुका है, थोड़ा सा काम रह गया है, बट जब उसकी रीजनेबल एश्योरेंस ऑफ रियलाइजेशन नहीं है तो वेदर दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज और नॉट, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड. इन्वेंट्री मेजरमेंट, 31 मार्च को जो हम फेयर मार्केट वैल्यू करेंगे उसको, नेट रिलाइजेबल वैल्यू NRV, कोविड का इम्पैक्ट इन्वेंट्री पे होगा, तो इसको अब हमें देखना है कि उसका इम्पैक्ट इन्वेंट्री पे है तो कितना है और मैनेजमेंट ने उसको कैसे एनालाइज किया है, वेदर वी आर वेदर दैट एनालिसिस इज रिलायबल और नॉट. आप ये भी देख सकते हैं कि आफ्टर कोविड आज 4 महीने में उसने उसको इन्वेंट्री पे कैसे सेल किया, किस रेट पे सेल किया. वी कैन एनालाइज द इन्वेंट्री मेजरमेंट विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ कोविड. इम्पेयरमेंट, हमारे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करना है, हमारे पास प्लांट आपके हमारे ऑडिटिंग का प्लांट मशीनरी है, वेदर इट हैज गॉट इम्पेयर्ड बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ कोविड हमें ये देखना है क्या उसके इम्पेयरमेंट को हमें कोई प्रोविजन करना है कि नहीं, इम्पेयरमेंट को हमें अकाउंट फॉर करना ही नहीं करना प्रॉपर प्लांट मशीनरी के केस में. फिर गोइंग कंसर्न तो एक अपने आप में इम्पैक्ट है कोविड का, बहुत सारी एंटिटीज के ऊपर गोइंग कंसर्न का, फाइनेंस कंपनी के केस में बहुत क्रिटिकल इशू हो सकता है, उसकी जो एडवांस बुक है वो किन लोगों को फाइनेंस की गई है, जिनको फाइनेंस की गई है उनके ऊपर कोविड का क्या इम्पैक्ट है, ये सारे एरियाज हैं जहाँ कोविड का इम्पैक्ट होना है. जब यहाँ कोविड का इम्पैक्ट होना है तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे को अपने सारे ऑडिट प्रोसीजर्स, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं. दीज बिकम द सिग्निफिकेंस रिस्क एरिया. इसका इम्पैक्ट हमारे ऑडिट प्लानिंग में आएगा, ऐसे 300. जब ऑडिट प्लान करेंगे तो हम ऑडिट प्लान में सबसे पहले लिखें इम्पैक्ट ऑफ कोविड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अपने ऑडिटी से अपने क्लाइंट से उसके इम्पैक्ट सारे लें, और वाइल्ड प्लानिंग हम उसको लिखें, और फिर 315 में उसको रिस्क को असेस करें और 330 के हिसाब से उसके रेस्पॉन्स लगाएं एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर. और मेटेरियलिटी में देखना है कि क्या हमने, अगर हम एक ऑडिटी का पहले दिसंबर तक ऑडिट कर चुके थे, मैनी केसेज भी हम काफ़ी केस में करते हैं, और हमने वो ऑडिट एक पर्टिकुलर मेटेरियलिटी लेवल पे किया था, क्या उस मेटेरियलिटी को हमें रिवाइज तो नहीं करना. ऐसे 240 के साथ रिस्क को फ्रॉड बढ़ जाता है, क्यों, बहुत सारे एंटिटीज आपके ऐसे होंगे जिनकी टर्नओवर फॉल हो गई होगी और उनको दिक्कत होगी अगले साल, अगर उनकी अपनी लिक्विडिटी क्रंच होगा, वर्किंग कैपिटल क्रंच होगा, तो दे मे मैनिपुलेट द टर्नओवर. तो बेसिकली आई से कि
जब हम ऑडिट करते हैं तो वी डू ऑडिट एज पर द एसेशन. व्हाट इज एसेशन? एसेशन इज कि हम कोई भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आइटम है, चाहे प्रॉफिट लॉस अकाउंट है या फाइनेंशियल या बैलेंस शीट है, इट हैज एन एसेशन. व्हाट एसेशन? वी से कि जैसे मैं टर्नओवर की बात करता हूँ, रेवेन्यू, रेवेन्यू वेदर दैट रेवेन्यू हैज अकर्ड ऑर नॉट, वेदर दैट रेवेन्यू हैज अकर्ड ऑर नॉट. लेकिन हम उसमें कहते हैं कट ऑफ कि 31 मार्च की टर्नओवर 31 मार्च में आई कि नहीं आई. तो दीज आर दी असर्शन. कट ऑफ इज दी असर्शन, अकरेंस इज दी असर्शन. तो हम कभी भी किसी भी ऑडिट एंटिटी में ये नहीं हो सकता कि दोनों तरीके के असर्शन हमारे रिस्क हो. आई टेल यू व्हाई. अगर किसी क्लाइंट की टर्नओवर फॉल हो रही है, ही विल ट्राई टू मैनिपुलेट द टर्नओवर टू इंक्रीज द टर्नओवर. तो जो हम कहते हैं ना सर्कुलर ट्रेनिंग, तो सर्कुलर ट्रेनिंग इज अ रिस्क एरिया. ठीक है, और वो हम कोड ऑफ एथिक्स ऑफ देखेंगे तो आजकल हमारे लिए बड़ा रिस्की हो गया वो. ठीक है, तो सर्कुलर ट्रेनिंग, तो उसमें एक्चुअली टर्नओवर नहीं होती. दैट टर्नओवर हैज एक्चुअली नॉट अकर्ड. अगर आपके क्लाइंट की टर्नओवर फॉल हो रही है तो आप लिखिए जो एसेशन आपने चेक करनी है, दैट इज वेदर द रेवेन्यू, वेदर द टर्नओवर हैज अकर्ड और नॉट. तो आपका रिस्क अकर्ड है. और अगर किसी क्लाइंट को अपनी टर्नओवर कम करनी है, जीएसटी को अवॉइड करना चाहता है अभी, या अपनी प्रॉफिट को कम करना चाहता है, तो कट ऑफ हो सकता है कि 31 मार्च की सेल को पोस्टपोन कर दे 1 अप्रैल और 2 अप्रैल में. तो कट ऑफ एसेशन इज इम्पैक्टेड. तो यू हैव टू सी इन माई ऑडिटी विच एसेशन इज बीइंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ द रिस्क. एंड इफ यू अप्लाई द ऑडिट प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू दोज रिस्क रिलेटिंग टू द एसेशन, वी कैन डू बेटर ऑडिट एंड विद द मिनिमम एफर्ट्स. तो रिस्क ऑफ फ्रॉड अगर टर्नओवर मैनिपुलेट करेगा तो ये सारे कंपोनेंट ऑडिटर्स हो सकता है कि आपका ऑडिटर नहीं, सब्सिडियरी कंपनी का ऑडिट इम्पैक्ट हो रहा हो, उसके ऊपर कोविड का इम्पैक्ट हो, उसकी जो सब कंपोनेंट सब्सिडियरी की वैल्यूएशन आपकी इम्पैक्ट ना हो गई हो, जो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं, तो दैट यू हैव टू सी. और यूज ऑफ एक्सपर्ट्स, क्योंकि फेयर वैल्यूएशन जहाँ इंडेक्स है, इंडेक्स तो इज ए रिस्क एरिया. मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डिपेंडेंट ऑन द एक्सपर्ट्स. तो यूज ऑफ एक्सपर्ट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एरिया टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एजम्पशन भी हमें चेक करने हैं, डाटा भी हमें चेक करना है, उसकी एक्सपर्टीज भी हमें चेक करनी है. तो हमारे लिए सबसे बड़ा रिस्क एरिया यूज ऑफ एक्सपर्ट ही है. तो ऐसे 620 को हमें कंप्लाई करना है, हमें देखना है कि हमने उसको कंप्लाई किया नहीं किया. तो ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इम्पैक्ट होंगे बिकॉज ऑफ कोविड. तो ऑडिट एविडेंस हमने ऑब्टेन करने हैं, जहाँ ऑडिट एविडेंस ये कोविड का इम्पैक्ट आएगा. एक इम्पैक्ट आएगा आपका इन्वेंट्री, ऐसे 501 रिक्वायर्स कि आपने जो इन्वेंट्री है उसको ऑब्जर्व करना है एट द ईयर एंड, जो कि हम 99% नहीं करते. ठीक है, ऐसे 501 कहता है आइदर यू विल ऑब्जर्व द इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑन द ईयर एंड, और इफ यू आर नॉट यू हैव नॉट डन इट देन ऑन ए लेटर डेट यू कैन डू इट एंड यू कैन चेक द ट्रांजेक्शंस इन द इंटरवीनिंग पीरियड. तो इन द केस ऑफ कोविड you might not have observed the inventory, or your entity might not have done the physical inventory on 31st March also. Year end उसने किया भी नहीं हो सकता है because of the lockdown. तो उसने हो सकता है later stage पे किया हो. तो हमें ये देखना है कि उसने अगर later stage पे किया तो later stage से लेके और 31st March तक जो transactions हुई उसका 31st March की inventory पे क्या impact आ रहा है. तो ऐसे 501 का impact COVID का बहुत important है on inventory observation. सेकेंड है ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन. बिकॉज ऑफ दिस हो सकता है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हम बाई रजिस्टर्ड पोस्ट कंफर्मेशन से ऑब्टेन ना कर पाए, क्योंकि बहुत जगह हम लेटर नहीं भेज पाएंगे या बहुत जगह कोविड की वजह से हमारे पर अप्लाई भी नहीं आ पाएंगे. तो हमने थ्रू मेल भेजे, तो हमने मेल ऑब्टेन किया. हमें देखना है कि मेल उसको रिसीव हुई है, उसकी रिसीव की कॉपी रखें, फिर जो हमारे पास रिप्लाई आ रहा है उसी पर्टिकुलर मेल आई डी से आ रहा है, ये भी हम ऑब्टेन करें. एक्सटर्नल कन्फर्मेशन इज द मोस्ट परसुएसिव एविडेंस फॉर एन ऑडिट. और कोविड के केस में आई सजेस्ट आवर चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी डू एज मच एज एक्सटर्नल कन्फर्मेशन एज यू कैन डू, बिकॉज इससे बेटर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस. क्योंकि हम कहते हैं व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हमें थर्ड पार्टी से मिलती है, जो हमें राइटिंग में मिलती है, जो हमें इंडिपेंडेंट सोर्स से मिलती है, जो हम डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं. चार फैक्टर्स कहता है अप्रोप्रिएट, और एक्सटर्नल कंफर्मेशन फुलफिल ऑल दीज फोर. तो जो एविडेंसेस हम ऐसे प्रोक्योर करते हैं और
वो बहुत अप्रोप्रिएट है और समटाइम्स इट इज नॉट अप्रोप्रिएट. ऑडिटर जजमेंट इज देयर. अगर कोई एंटिटी है जिस आपके ऑडिटी के किसी अकाउंट रिसीवेबल ने 3 साल से पेमेंट नहीं किया, 2 करोड़ का उसका अकाउंट बैलेंस है, आपने उसे अकाउंट कंफर्मेशन बैलेंस कंफर्मेशन एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज दिया एंड यू रिसीव्ड प्रॉपरली, बैलेंस इज कंफर्म, आपने कहा अगेन आई से अप्रोप्रिएट है थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट सोर्स राइटिंग, बट अकाउंट रिसीवेबल्स हैज टू assertions. One assertion is the existence, another assertion is the valuation. आपको देखना पड़ेगा हमारे financial statements की items जो हैं उनकी assertions क्या हैं. अगर हम वो समझ के लिख लें तो हमें क्या audit procedure लगाने समझ में आ जाता है. Account receivables has two assertions, existence and valuation. जब उसने confirm कर दिया तो आपका assertion regarding existence is satisfied. But what about valuation? जिसने 3 साल से payment नहीं किया वो payment करेगा, कितनी पेमेंट करेगा, 2 करोड़ क्या वैल्यू उसकी, ठीक है, यू आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. सो दैट इज अप्रोप्रिएट सो फॉर एन एग्जिस्टेंस इज कंसर्न, सो फॉर एन वैल्यूएशन इज कंसर्न दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट. तो अब क्या बेसिकली क्या है कि हमें हर ऑडिट एविडेंस का यही देखना है कि वेदर दिस एविडेंस इज अप्रोप्रिएट टू द एसर्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस. सो दिस इज इन कोविड यू हैव टू ऑब्टेन द एक्सटर्नल कंफर्मेशन 501 के हिसाब से, इन्वेंट्री के हिसाब से आपको देखना है. एस्टिमेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सपर्ट को बहुत ज्यादा यूज होना है, इंपेयरमेंट है, वर्किंग कैपिटल की दिक्कतें हैं. तो जहां जहां वैल्यूएशंस हैं, कोविड हैज इंपैक्टेड अ लॉट, कोविड हैज इंपैक्टेड अ लॉट. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस रिगार्डिंग द ऑडिट रिपोर्ट. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू आर वेलकम. या तरुण सर थैंक यू वेरी मच. और एक क्वेरी है सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई रिगार्डिंग रिपोर्टिंग फॉर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इज एग्जेम्प्ट फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इफ यस प्लीज शेयर रेलेवेंट नोटिफिकेशन पब्लिक सर्कुलर फॉर द शेयर. मैं एग्जैक्टली नंबर तो मैं शायद एकदम नहीं दे पाऊंगा, बट दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी. उसकी कंडीशन है, उसकी 25 करोड़ से ज्यादा की फाइनेंसिंग ना हो, 50 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर ना हो. ओके. और थर्डली उसकी एनुअल रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग सबमिटेड टू द तरुण सर एक वन मोर क्वेश्चन है कि अगर जैसे इस बार जैसे COVID-19 की वजह से मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है देखिए उनका ग्राफ तो डाउन आया है सर, मोस्ट ऑफ द कंपनी, क्योंकि मार्च में काफी कुछ होता था वो मार्च में इस बार नहीं हो पाया 31 मार्च तक. तो इसका मतलब ये हुआ कि सर एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ जो है उस पे कवरेज ज्यादा रहेगी. हाँ मैं एक वो भी एक एम्फेसिस ऑन पैराग्राफ का मैं आपको बताता हूँ. मैंने इसमें कवर किया था शायद. हाँ यस सजेस्टिव पैराग्राफ है ये इंस्टीट्यूट गाइडेंस नोट में आया है. वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट which describe the economic and social consequences disruptions the entity is facing. जो भी economic consequences, social consequences या disruptions entity के पर आए हैं, that will describe in notes to the accounts, to the financial statements, as a result of COVID, and which is impacting क्या supply chain, customer demand, financial markets, commodity prices, जो भी impact उसके पर उसको नजर आता है, for that which is there, that we will write, that is given the financial statement also. तो हमने उसको जी हमने सिर्फ एक यूएम पैराग्राफ दिया है. यूएम पैराग्राफ में वी आर जस्ट ड्राइंग अटेंशन टू दैट नोट व्हिच इज गिवन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द मैनेजमेंट. दे आर सेइंग कि वी हैव इंपैक्ट ऑन ऑफ वी हैव कंसीडर दिस डिसरप्शंस बिकॉज ऑफ कोविड व्हिच मे बी ऑन कस्टमर डिमांड और इन द फाइनेंशियल मार्केट और कमोडिटी प्राइसेस या सप्लाई चेन व्हाटएवर डिसरप्शन और इंपैक्ट दे हैव दे आर गिविंग द नोट टू द अकाउंट्स. And we are just giving our attention, drawing the attention by UM paragraph. And we are writing that we are not modifying the report because of that. Okay. Thank you very much, sir, for such a nice and wonderful deliberation. और sir, मैं थोड़ा सा एक और request करना चाहूँगा आपसे कि जो एक audit program है, ideal audit program, वो एक बार जो जैसे आपने कहा था कि आपने शायद वो summarize किया हुआ है. अच्छा ठीक है वो चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग की है. हाँ, तो मैं आई विल शेयर विद यू.
बिल्कुल आई शेयर विद यू। और जो एक पीपीटी आज जो शेयर हुई है सर वो भी आप पीपीटी आपको शेयर कर देना, पीपीटी आपको शेयर कर। और आई जस्ट कॉल अपॉन आवर चेयरमैन सुरेश। सुरेश एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए सर। सुरेंद्र सर, सर अनम्यूट कर लो सर। ओके 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 सर, ओके सर। चलिए आज सर चेयरमैन सर कहीं बिजी हैं अभी वो किसी क्लाइंट के साथ, नो इश्यू। तो आज हमारे साथ सुरेंद्र जी हैं पंजाब से, ये हमारे रेगुलर सर व्यूअर्स हैं। नमस्कार सर, फीडबैक लेना चाहेंगे। आज आज सर आप ही वोट ऑफ थैंक्स दे दीजिए आज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। स्पेशली ऑन डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट है दैट व्हाट वी फाइंड, क्या कहें सर, मतलब सुपर, एक एक चीज मतलब पूरी परफेक्ट बताया गया है सर, उसमें पूरी डिटेल्स है सर। थैंक यू सो मच सर सभी की ओर से, स्पेशली भूपिंदर जी की ओर से भी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सुरेंद्र सर। और हमारे साथ सर सोनीपत ब्रांच के पास चेयरमैन प्रवीण मदान जी हैं। प्रवीण सर जी, सर नमस्कार सर, आवाज थोड़ी कम आ रही है सर। प्रवीण सर हाँ आप ठीक आ रही है सर, आप चेहरे को दिखाई दिया करो सर। अभी एक मिनट सर, नमस्कार गुप्ता सर। नमस्कार जी सर, सच में वो ना एक्चुअल में वेबिनार सुन के ना कई चीजें दिमाग में जो होती है ना वो बिल्कुल हम सोचते कुछ हो रहा है और होता कुछ हो रहा है। बाकी गुप्ता सर ने बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल सिंपल वे में सारी चीजें बिल्कुल ना क्लैरिफाई कर दी। एक्चुअली सर जैसे जी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म सर ने जैसे बताया और जो रिस्क बताया इनहेरेंट कंट्रोल रिस्क, ये जब ऑडिट में पढ़ते थे तब तो सुना था इनके बारे में इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क, और कंपेयर करते रहे डिटेक्शन रिस्क से, फिर ऑडिटर का रिस्क ओवरऑल एक्सेप्टेबल लो लेवल, वो सभी चीजें पढ़ी। लेकिन अब दोबारा से तरुण जी ने रिमाइंड करवा दिया, सबसे पढ़ने पड़ेंगे अदरवाइज तो फिर डांट पड़ेगी कल अमरजीत चोपड़ा जी से। ठीक है, तो तरुण सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी चोपड़ा जी तो वैसे मेरे गुरु है। तो थैंक यू सो मच तरुण सर, आपने टाइम स्पेयर किया, इतना अच्छा नॉलेज दिया और इतनी लीनियंट वे में आपने बढ़िया तरीके से आपने बताया, और हम सभी कृतार्थ हुए और वाकई में तथास्तु ब्लेस्ड है हम सभी। और इसीलिए तथास्तु नाम रखा सर हमने, और आपका तो नाम भी जैसे तरुण गुप्ता तो तथास्तु, हमारे टीपर तरुण टीपर तथास्तु, तो वही फील तथास्तु सर। एंड थैंक यू सो मच। और आप दिल्ली में सर, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सेफ रहिए, दिल्ली में ज्यादा रिस्क है इस टाइम पे, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मदान सर एंड थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू अदर मेंबर जो यहाँ पर जुड़े हैं, पानीपत ब्रांच अदर ब्रांच मेंबर, थैंक यू एवरीवन। और कल कल सर कल फिर से ज्वाइन होना हमारे को, हमारा कोड ऑफ एथिक्स जैसे सर ने बताया कि काफी चेंज हो गया हमारा एथिक्स, और उसमें बहुत कुछ है जानने को। रदर हमारी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है अब वो अगर बिना एथिक्स के हम जो है वो मूव नहीं कर सकते, जब तक हमें अपने अपडेटेड एथिक्स ना पता हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कल हमारे साथ एक बार जरूर जुड़िए। अमरजीत चोपड़ा सर आ रहे हैं, पास्ट प्रेसिडेंट नफरा मेंबर, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सर, थैंक यू सर।